मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। मैंने घर वालों को बोला, अब्बू को बोला कि मैंने जाना, घर वालों ने मना कर दिया, लोगों को बीच में डाला, चाचा को बोला इनको बताएं सारी बात इनको। तो 3,000 भी उसने लिया, तो जाइंट ने हसन ने टिकटें लेके दी, तो तकरीबन पूरी बासी जो होती वो डैंकी लगाने वाली थी, डैंकी का मतलब कि अनलीगल जो वे होती है वो यूज़ कर रही थी, तो पुलिस वाला आ गया, वो तलाश लेना शुरू कर जो वैसे फिर रहे होते हैं, फिर रहते हैं जी आप किधर जा रहे हैं, वो ये है वो है। तो लड़के ने बोला कि हम कोटे काम के लिए जा रहे हैं, कहता नहीं नहीं काम के लिए जोकर आपने काम वाले नहीं पहने हुए, ये है वो। हूँ ब्राह्मण हूँ जरा वो पहाड़ी की चोटी के नाल ही समुद्र के किनारे बैठा है, तो कह रहे हैं कि जिस तरह भी होता मैं पाकिस्तान भेज दो। मैं क्यों, कहना मैं समुद्र क्रॉस नहीं करना। सही। मैं यार क्यों नहीं क्रॉस करना, कहना मैं मरना है। और वो अंकल भी आपके साथ ही, अंकल भी साथ ही, अंकल बूटा, अंकल थके नहीं, अंकल बूटा दुरुश नहीं पा रहे, तो सानू किसी ने कहा कि दुरुश भी ना पढ़ो समुद्र है ना पढ़ो, नहीं ये किसने कहा, किसी ने बोर्ड में ही बोला ना कि ना पढ़े आप मेहरबानी करें, जो समंदर है ये जलाल में आ जाता है यकीन करें। हमने पढ़ रहे तो हम खामोश हो गए जी, हमने बोला ठीक है जी खामोश हो गए, जान जानना मेरी चीज़ चंगी है, असी खामोश हो गए, असी आखिया चलो ठीक है। अगर भाई यार आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, इज्जत भी है, और आपको पता होता घर वालों को भी पता है कि आज बैठे तो कल पहुंच जाएंगे। और हम जो अनलीगल वे यूज़ करते हैं इसमें तो 100% 99% चांस होते हैं कि डेथ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं और तकरीबन 40 दिनों में इन्होंने 10 मुल्कों का सफ़र करते हुए इलीगली जर्मनी पहुंचे, और फिर क्या उनके हालात हुए, क्या चीज़ें हुई, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पाकिस्तान वापस आए हैं। सो आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, बड़ी आप अभी कैमरा से पीछे इंटरेस्टिंग कहानी अपनी बता रहे थे, तो ये क्या सारा किस्सा कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको बाहर जाने का शौक कब से पैदा हुआ? सो मे बी स्टार्ट थोड़ा सा अपने बचपन से कि कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई की। जी जी, मैं बेसिकली नारवाल का रहने वाला हूँ और अंडर मैट्रिक हूँ, और पहले तो मेहनत मजदूरी करता था, स्टील फिक्सिंग का काम, कभी मरदान में कभी सियालकोट में, फिर उसके बाद गांव में था, तो 2015 में कुछ जानने वाले थे जो बरूने मुल्क गए हैं, ये डेंकी लगा के ईरान से तुर्की। सो हमारे सिर्फ ऑडियंस को बताने के लिए डेंगी जो है वो एक, वो ऐसे होता है कि अनलीगल वे यूज़ करते हैं। ठीक है जी जी। तो कुछ लोग पहुँच गए जब जर्मनी, तो मुझे भी पता चला। और ये आपके गाँव के थे? गाँव के थे। तो मैंने भी घर वालों को बोला कि, और आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? उस टाइम मेरी उम्र थी 22 थी, 23 या 2 इतनी। ठीक है जी जी। उसके बाद फिर घर वालों को बोला कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिफोर, अगर हम इस साइड पे आए, सबसे पहला शौक आपको बाहर जाने का कब से? मुझे शौक नहीं था पहले। अच्छा, शौक नहीं, कैसे होता है ना बचपन में कोई बाहर वाला गया है तो एक वो बचपन पहले था कि सऊदीया चल जाएंगे, उमरा करेंगे, हज करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो रिश्तेदार आए थे सऊदीया में, लेकिन फिर मैंने शादी होगी, मेरी शादी के बाद फिर मैंने गांव में काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट अपनी दुकान थी हमारी, ये बेकरी थी। तो फिर गांव में कोई एक ग्रुप निकला लड़कों का, वो कोई यूनान पहुंच गया, कोई जर्मनी पहुंच गया, तो मुझे भी पता चला। तो और ये दोस्त थे आपके? हाँ, मोहल्ले के दोस्त थे, जानने वाले थे सारे, एक दिलवरी जो कहते ना जिगरी दोस्त, वो भी था, तो वो भी पहुंच गया, जाके सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी। ये भाई पे लगाने, मेरे पास तो सेट भी नहीं था, किसी के पास था, मैं देख रहा था, मैंने बोला वाह भी वाह, ये भी पहुंच गया यूरोप। और वो इलीगल गया सारा? हाँ वो ऐसे ही। तो मैंने भी घर वालों को बोला, तो मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, तो फिर मैंने घर वालों को बोला, अबू को बोला कि मैंने जाना, वो कहते हैं आपका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, आप कैसे जाएंगे? मैंने बोला ऐसे, घर वालों ने मना कर दिया, और कोई भी नहीं मार रहा था, भाई भी नहीं मार रहा था, मैंने चलो लोगों को बीच में डाला, चाचा को बोला इनको बताएं सारी बात इनको, तो ये फलाना मेरा दोस्त चला गया, ये भी चला गया, तो मैं भी इधर नहीं रह सकता। फिर घर वाले मान के, सियालकोट का एजेंट था, डस्के में रहता था, सियालकोट में भी रहता था, सियालकोट के यूज़ और इन्हीं उसी के जरिए आपके पहले दोस्त भी जो अक्सर मेरा बड़ा भाई है वो केवल का काम करता है, और जो सियालकोट का एजेंट था इनका कोई जानने वाला था केवल का, कोई सिस्टम इस तरह था। फिर वो मुझे, उनके साथ मेरा रबता हुआ, तो मैंने बोला मैंने भी जाना, घर वाले पहले नहीं मार रहे थे, फिर मैं भी घर से निकला हूँ, बस ऐसे ही एक दिन में तैयारी होगी, एक दिन में तैयारी हुई है,
एक दिन में तैयारी कैसे हो गई? रात को बात हो रही है, सुबह मैंने स्मार्ट सुमन ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो मैं लेकिन उस एजेंट से कितने दिनों से आप रबते में थे? वो दूसरा भाई था, भाई दूसरा जो जानने वाला था ना, चाचा के बैठा, वो उनके साथ रबते में था। मैं भाई के साथ, मैंने भी बोला मैंने भी जाना कर। अच्छा, प्लान उसका बन रहा था? उसका बन रहा था और मुझे भी पता चला, मैंने भी तैयारी कर दी सारी कि मैंने भी जाना। और उसके घर वालों को पता था? घर वालों ने बता दिया था ना, उसने अपने घर वालों को बता दिया था। वो लेकिन एग्री थे कि चले जाओ? हाँ, बस वो उसने भी बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया। फिर वो हम घर से निकले हैं, हम गए हैं लाहौर। लाहौर से और कितने उसके साथ पैसे क्या तय हुए? पैसे उसने कहा था कि तुर्की का 2,20,000 लेंगे। हाँ, तुर्की का 2,20,000 लेंगे, तुर्की जाकर फिर आगे डिसाइड करेंगे कितने लेने हैं आगे, जो ईरान के लिए जहाँ आगे कंट्रियों के लिए। लेकिन आप दोनों का प्लान क्या था कि हमने कोई एक मुल्क चुना हुआ था कि यहाँ जाना है? या शुरू बस से एक लड़का जर्मनी पहुँचा हुआ था हमारा, शुरू से जो जेन था वो जर्मनी तो बस जर्मनी जाके सुकून में आएगा। ठीक है, तो फिर निकले हम लो जैन के साथ रबता भाई दूसरे ने किया था, चाचा के बेटे ने, मुश्ताक नाम है उसका, नाम भी मैं बता देता हूँ। और वो तो, कभी मिला भी था उससे या बस व्हाट्सएप पे ही? नहीं नहीं नहीं, वो जो लड़का गया हुआ था ना पहले, वो उसने ही नंबर दिया था उसका। ठीक है, तो कॉल पे बात हो रही थी उस टाइम, व्हाट्सएप इतनी आम भी नहीं थी 2015 में, हमारे पास तो नहीं था मोबाइल। ठीक है, तो फिर कॉल पे बात हो रही है, वो कहता है कि डस्के में भी लड़कियाँ 2-3 जानने वाले लड़के, तो आप ऐसा करें लाहौर आ जाएँ। तो फिर हम बस में बैठे हैं, तो तैयार श्यार हो के तैयार, ऐसे मामूली से तैयार हुए, कहते हैं कि बस निकलना आज। तो रात को उसकी बात हो गई थी, मेरी भी हो गई थी भाई के साथ, भाई की उसके साथ बात हो गई थी। तो सुबह उठे हैं तो बस एक दिन में तैयारी होगी, जैसे बैग पकड़ लिया, कपड़े डाल लिए, जैसे भी हो बस निकल गए। तो घर वालों को बताया हुआ था आपने? घर वालों मान नहीं रहे थे ना, बड़े मुश्किल से। मैंने आखिरी दिन भी नहीं बताया आपने? आखिरी दिन बताया था, नहीं मान रहे थे। फिर भाई को बताया, जो मेरा भाई अफरोड का काम करता है, क्लीन नाम है उसका, भाई को बोला, भाई ने कुछ थोड़े से पैसे दिए, जितने जेंट ने बोला कि अभी साथ में ले आओ इतने, जैसे वो रान में जाते हैं जहाँ बलूचिस्तान में जाते हैं तो वो पैसे चेंज करने होते हैं ना। तो फिर वो बात हुई तो हम लाहौर की तरफ निकल पड़े। लाहौर पहुँचे हैं तो फिर वो जेंट आया कैल डब्बे में, उसने हमसे तकरीबन 15,000 लिया पहले कि जी आपका खर्चा जो हम टिकटें लेके देंगे कोटे तक, आगे ऐसे बंदे लेने आएंगे, आपको घर मिलेगा, खाना मिलेगा। और एडवांस कोई नहीं आपने दिया था? एडवांस कोई नहीं है, 15 लिया था उसने हमसे, 15 लिया। 3 हम गांव के थे, एक मेरे चाचा का बेटा, एक उसका और जानने वाला था, एक मैं था, 3 लड़के डस्के थे, और एक का नाम रान था जो गाँव वाला, एक मेरा नाम नवीद और दूसरा लड़का मुश्ताक, और 3 डस्के, एक का नाम मायूं, एक का नाम गलफाम, एक का नाम चाचा बूटा। जो चाचा बूटा थे वो तकरीबन उनकी जो उम्र थी वो तकरीबन 48। सही, 48। और वो भी उस टाइम इल्लीगल जाना चाहता था, वो भी फ्रॉड का काम करता था डस्के में। उसको कहाँ से ख्याल है? जैन उनके मोहल्ले का था, डस्के का था ना वो चाचा बूटा। तो वो भी कह रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान में गुजारा नहीं, अच्छा बड़ा फ्रॉड का काम कर रहे थे, और 48 आपको पता है एज होती है, डेंगी लगा भी नहीं सकता बंदा। तो चलो हम तो 22 गए थे, तो घर से निकल पड़े, तो वो मुलाकात उनकी हमारे साथ हुई है लाहौर में, जेट ने खाना छाना खिलाया। और उसने क्या कहा कि लाहौर में कहाँ पहुँचना है? रेलवे स्टेशन में। ठीक है, रेलवे स्टेशन जब गया ना हम रेलवे में, तो उधर क्या नाम है होटल थे उधर ही, तो उधर खाना छाना खाया, तो उसके बाद क्या हुआ जी प्रोग्राम बन गया। वो बाद में कहता कि हाँ भाई किस किस कंट्री में जाना है, तो सारे कह रहे हैं जी जर्मनी जाना है, कहता ठीक है जी मैं ले जाऊंगा। अच्छा, वो खुद बंदा आया हुआ था उधर? हाँ वो खुद आया था, क्योंकि नॉर्मली तो लोग कहते हैं ना कि एजेंट अपने आप को नहीं दिखाता। और नहीं, वो जो एजेंट था वो डस्के का था, उसका वो चाचा बूटा जो मैं बता रहा हूँ ना इसके मोहल्ले का था। ठीक है, ठीक है। फिर हुआ ऐसे कि हम निकल पड़े हैं, एजेंट को 15,000 दिया है, वो उन्होंने खुद ही टिकटें ला के हमें दी हैं कोटे की। सही, ठीक है। कोटे से मुराद कोट, ट्रेन में कोटे जाना था ना। ठीक है, कोटा, कोटे से फिर दाल बंदी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारे पास हमें एजेंट ने बताया कि भाई आप ऐसा करें 500 के चने ले लें। उस टाइम 500 के पता नहीं 1.5 किलो चने आते थे। सही, तो वो चने ले लें आपके काम आएंगे रास्ते में। हमने चने ले लिए 500 के, बैग में डाल लिए। और कितने लोग हैं भाई आप? 6 लोग थे। ठीक है, 3 गाँव के थे, 3 डस्के के थे। और एजेंट अब चला गया वापस? एजेंट पैसे ले के, टिकटें ले के, वो ट्रेन में बैठा के मैं चला गया। ठीक है। अच्छा जी, जब हम निकले हैं तो रास्ते में पुलिस वाला था,
वो सब की तलाशी ले रहा था ट्रेन के अंदर। हाँ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग जा भी रहे थे। आपको पता है कि 2015 में फ़लस्तीन में जंग लगी हुई थी, तो काफ़ी लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, तो बॉर्डर ओपन थे ना। तो जब हम ट्रेन में बैठे हैं, एक दो घंटे का सफ़र हुआ है, समझ लगे 3 घंटे का हो गया सफ़र, खानोवाल के पास पहुँचे हैं पता नहीं, तो पुलिस वाला आ गया, वो तलाश लेना शुरू कर दिया। वैसे फिर रहे होते हैं, फिर रहते हैं जी, आप किधर जा रहे हैं, आप ये है वो है। तो लड़के ने बोला कि हम कोटे काम के लिए जा रहे हैं। कहता नहीं नहीं काम के लिए जोकर आपने काम वाले नहीं पहने हुए, ये है वो। सही। तो वो लड़के को मैंने बोला यार इसके साथ कोई बातचीत कारण ये जान छोड़े, सब बात है, वो परेशान कर रहा था बाबा, गल्फाम लड़का था, उसने कोई बात की उसके साथ, तो उसने बोला चलो ठीक है। क्या बात की? पता नहीं, कोई बोला कि हम बताया नहीं, सीधी बात नहीं उसने बताई, पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, मुझे नहीं पता। वो साइड पे ले गया, साइड पे ले गया उसको, कहता है मैंने सेटिंग डाल दिया भाई। ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है यार, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुंचे हैं जी कोटे 2 दिन के बाद, आज बैठे हैं तो रात को, दूसरे दिन रात को पहुंचे हैं तकरीबन 10 बजे, और कोटे का सफ़र कराची से ज़्यादा है। कोटे पहुँचे हैं और हमें बताया गया था कि भाई आपने जब कोटे पहुँचना तो हम फ़ोन करेंगे आपको कि इस बंदे के साथ जाना, तो फिर जाना है, वरना और किसी के साथ नहीं जाना। वो एक बंदा रक्षे में आया है, तो वो कहता है जी हमारे नाम लिए उसने कि मुझे फलाने बंदे ने बोला है इनको ले के आओ। हमने वो जेंट को कॉल किया डस्के वाले को कि भाई हम इधर फलाना बंदा आया है रक्षे पे, तो कहता है जेंट का क्या नाम बताता है अगले वाले का। मैंने बोला हसन नाम बता रहा है कोई, हसन बलोची। कहता ठीक है इसके साथ। तो उसने पहचाना कैसे आप लोगों को? भाई उनका रابطہ होता है, सारा होता है कि इस तरह 6 बंदे हैं, इस तरह आ रहे हैं, ये वो है। तो हम ट्रेन से बाहर निकले थे, वो फ़ोन शून हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गल्फाम के पास नंबर भी था कोटे वाला किसी का, ठीक है, ये भी था। अच्छा, फिर जेंट के साथ बात की है, जेंट ने बोला मेरी उनके साथ बात कराओ। वो गल्फाम ने बात कराई है, वो जो बंदा लेने आया था, बात करा के वो फिर हमें ले गया अपने घर। घर का ये बसों वाला अड्डा था, ये घर था बसों वाला अड्डा था, 3 कमरे थे, एक कमरे में जाकर मैं बैठा दिया। कहता अगर खाना खाना तो फिर बंदा 1000-1000 रुपया दे दियो। 80000-1000 देता 6 बंदे से, असी हूँ दाल एक बंदा 1000 रुपये। वो देखो जी वो बंदे लुटते ने, जो तुम सफ़र करते हो बलोचिस्तान जो पहुँच जाते हो ना, तो बलोचिस्तान जो थोड़ा सफ़र शुरू हो जाता है। और ऑप्शन तो कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं, मजबूर होंगे असं लोग, असी घर दिलाता तो वो आके कहने अच्छे खाब भी जाके या रह करांगे, घर अच्छा बनावांगे, गड्डी होएगी, कारोबार होएगा, बच्चे सैटल करांगे। तो असं जो उतें रोटी लै गया, रोटी खाधी है, सुबह कहना थोड़ा भेजना ना दाल बंदी सुबह उन्हें। और ये भी कोटा में ही है? हमें कोटा में। फिर वो जिधर ले गए हमें क्या था, वो गोदाम था बड़ा, उधर से गाड़ियां दाल बंदी के लिए जाती थी, अड्डा भी था अंदर और उसके साथ गोदाम भी बना हुआ था, लोग बैठे हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा, हम 6 लड़के थे और भी लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। वो भी बाहर जाने के? अच्छा, हमें कुछ लड़के ऐसे मिले जो ट्रेन में मिले हैं, तो वो कहते हैं किधर जा रहे हैं, हमें बोला हम कोटे जा रहे हैं, तो वो कहता हमने पूछा आप किधर जा रहे हैं, हम कोटे मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग बंदे हमें उधर मिले। हमने बोला कहते यार, मैंने बोला आप तो कह रहे हैं कोटा मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं आप भी तो कह रहे थे ना, सही एक ही तरफ जा रहे हैं, चलो खामोश हो जाओ। मैंने बोला चलो सही है भाई। वो फिर हुआ ऐसे कि खाना छाना खाया हमने, तो रात को सुबह हुई, तो सुबह फिर वो 3000-3000 की उन लोगों ने हमें टिकट ले के दी दाल बंदी की। ये भी एक शहर? हाँ, ये कोटे से जब हम निकलते हैं ना बलूचिस्तान की तरफ, तो पहले दाल बंदी आता है, ठीक है। हाँ जी, तो वो 3000-3000 रुपये उसने लिया, तो जेंट ने हसन ने टिकटें ले के दी, तो तकरीबन पूरी बस ही जो होती वो डैंकी लगाने वाली थी, डैंकी का मतलब अनलीगल जो वे होती है वो यूज़ कर रही थी, तो सारे वो थे। जब हम कोटे से बाहर निकले तो हमारी एक चेक पोस्ट आर्मी की थी, वो उधर लोगों ने बस को रोका है, आईडी कार्ड चेक किए हैं, खड़ा किया 15-20 मिनट, उसके बाद उन लोगों ने फिर जाने दिए हमें। नहीं तो उन्होंने क्या पूछा आप लोगों से? हमें नहीं, बस वो बस वाले के साथ ही बात हुई, और हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, तो जो हमारे से आगे फ्रंट पे बैठे हुए थे ना उन लोगों से बात हो रही थी उनकी कोई, तो फिर आईडी कार्ड कापियाँ शापियाँ हमने दी हैं, फिर उसके बाद आईडी कार्ड असल भी दिया है, फिर उन लोगों ने जाने दिया। फिर हम उन्होंने कोई नहीं पूछा भाई क्या हो, किधर जा रहे हो? आगे अगल जो आगे बंदे थे ना बैठे हुए उनसे कोई पूछ रहे थे, तो वैसे भी एक लड़का पीछे सो रहा था, मैं भी सो गया,
सही। बोला सो जाता हूँ, पूछने से बेहतर है फिर सवाल पूछेंगे। तो मैंने वैसे ही आँख बंद कर दी। तो जैसे हम पहुँचे हैं कोटे से बाहर निकले हैं, चेक हुआ है, सारा कुछ हुआ, फिर हम दालबंदी के लिए निकले हैं। दालबंदी हम तकरीबन पहुँचे हैं शाम को 7-8 बजे। दालबंदी फिर पहुँचे तो एक लड़का कॉल बात हुई उसके साथ, कनेक्टर नहीं होता, उसने मैं तारा होटल के बाहर, और जो जेंट था उसने बोला हुआ था कि फलाना बंदा आएगा तो उसके साथ इन लोगों को भेजना। तो दालबंदी जाके होटल पे के ऊपर जब स्टॉप किया ना बस ने, वो लड़का आया तो कनेक्टर ने बोला इसके साथ जाओ, असन ने बोला था इनके साथ जाना, उनके साथ गया। उसने ले गया मैं, छोटा सा किचन था उसमें जाके बैठा दिया, पानी छानी पिया। कितने लोग हैं अभी आप लोग ये बस में? वो हम 6 लोग जो हैं वो है, बाकी अलग अलग ग्रुप के बंदे होते हैं ना। ठीक है, वो फिर अपने अपनी जगहों पे चले गए हैं। फिर चले गए हैं, फिर उसके बाद जैसे कोई नेरा हुआ रात को 10-12 का टाइम हुआ है, तो फिर वो एक उसने गाड़ी निकाली अंदर से, बलोचिंग वाली गाड़ी होती है जो वो तेल छेल ले कर जाती है पतनी रान में, ऐसी को गाड़ी उसने निकाली है। हमें बैठाया तो हमें ले गया आगे की तरफ दालबंदी से बलोचिस्तान की तरफ। जब तकरीबन 50 किलोमीटर सफ़र किया तो आगे एक और घर पे जाके उसने खड़ा किया, उधर से और 20-25 बंदे निकल आए, वो भी बैठाए, फिर आगे गया एक ही गाड़ी में। हाँ, तो कैसे बैठे थे? डाला होता है जी वो, जैसे ट्योटा डाला होता ना, वो पीछे से ओपन होता है जैसे पुराने डाले जिसमें लोग परचून का सौदा लेके आते थे, इस तरह वो ऊपर से ओपन होता है। तो एक दूसरे के ऊपर बस बैठे ऐसे होता है कि ये कैबिन बड़ा होता ना, तो जो ना इधर उधर बंदा बैठ जाता, नीचे को टांगे करके ना बैठ जाता, वो सारे लोग ऐसे ऐसे बैठ गए, वो कोई सेंटर में बैठ गया। तो फिर उसके बाद उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जब बलूचिस्तान में पहुँचे हैं तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, वो कह रहा था कि भाई पकड़ लो अच्छे तरीके से, वो ऐसे गाड़ी चला रहा था कि जैसे पता नहीं उसने हमारा कोई बीमा पॉलिसी कराई है हमारी, पैसे लेने हैं बस। फिर वो सुबह जाके तकरीबन 6 बजे हमें बलूचिस्तान किसी जगह पे जाके उतारा है, हमें जगह का नाम का नहीं पता। फिर उधर एक घर था, घर में जाके उसने बोला कि इधर सो जाओ अभी सारे, हम सोए हैं। तो तकरीबन 3 का टाइम हुआ है। और उधर भी आप लोग ही थे या और भी लोग? उधर और भी लोग थे, काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे समझ लें मुसाफिर खाना नहीं होता, सही ऐसे लोग नीचे चटाइयों में सोए हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, बस हालत ही कोई नहीं है। तो फिर एक 2 लड़कों को बुखार हो गया था हमारे में, एक डॉक्टर था, डॉक्टर माइयों क्लिनिक में काम करता था, वो उसको बोला भाई हमारे साथ ही था, डस्के से गया था वो हमारा भाई के साथ, उनका केबल का भी कोई काम शाम है। तो हमने बोला डॉक्टर साहब इनको बुखार हो गया लड़कों को, फिर वो गया बाहर, उसके साथ एक लड़का गया बलूचिस्तान में, वो फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लेके आया, उसने इंजेक्शन मेडिसिन दी है सबको, मुझे भी बुखार था हल्का सा, मुझे कहता तुम्हें भी लगा देता हूँ इंजेक्शन, मैंने बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन खाई बट ठीक हो गया। 3 बजे के बाद फिर वो क्या नाम है कि पहले हमने चावल खाए फिर मेडिसिन खाई, तो उधर भी चावलों के पैसे दिए हमने। वो कितने दिए? वो एक बाबा था पता नहीं उसका काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो आया तो वो कह रहा है कि अगर बिरयानी खानी है तो मैं बनवा देता हूँ जी जनाब, बड़ी अच्छी बिरयानी है, चावल हाँ तो बड़े अच्छी तुम बिरयानी खुआने जी। तो उतने भी असी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिते, ते उन बाद चो बिरयानी दी इन्नी देजगी जी लैंदी अंदर चुक के पड़वा के 3-4 घंटे बाद, तो वो बिरयानी असी खाधी हल्की हल्की, तो मेडिसिन खाधी, तो फिर रात का कोई टाइम होया ना 8 का, फिर उन्होंने गड्डी कढ़ ली उन्होंने अपनी, फिर लै के सानू गए ना। फिर असी तकरीबन सुबह 11 बजे लास्ट पॉइंट जरा बलूचिस्तान का ना जो रान से दाखिल होना है उत्थे पहुँचे, उत्थे जो असी पहुँचे तो उत्थे फिर वड्डा जिहा ना समझ लो कि प्लाट जहा खाली जगह अंदर गड्डियाँ खलोती हैं ना, कोई उतों जे लीगल तरीके ने जाते ना लीगल वे उन्होंने वास्ते बसा होंगे ना, उन्होंने बिठा के फिर अगे रान जाते हैं, वो फिर सानू दूसरे रस्ते उन्होंने उतने पहले लैके गए ना, उधर जाकर उन्होंने कहा कोई किसी ने कोई पानी छानी पीना या वाशरूम जाना तुम जा सकते हो, मैं क्या ठीक है। वो घंटा 1-2 घंटा सफर बैठे हाँ रैसट की, उस बाद कोई चीज़ चीज़ें लिया ना, तो वह फिर 2 घंटे बाद गड्डी गड्डी है, तो फिर सानू रान की तरफ लैके तुर गए ना, रान के कोल सानू लै गए ना पहाड़ों के कोल, गड्डियां रान के एंटर नहीं की, पहाड़ों के कोल लैके गए ना, तो रात 7 टाइम हो गया 7 का तकरीबन, फिर उन्होंने सानू पहाड़ी जी ना क्रॉस कराई है, पाकिस्तान की पहाड़ी सानू क्रॉस कराई है,
ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੋਟ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਟ ਇਹ ਸੀ ਡੈਂਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜਨ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, 4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਔਰ ਵੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਾਰਮਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਆਪ ਪਠਾਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੋ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਸੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵੋ ਉਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਥਾ ਵੋ ਕਿਉਂ ਕਾ ਵੋ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੋ ਮੇਰਾ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿਆ, ਸਭ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਸੇ ਲੈ ਲੀਏ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਵੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਬੋਟੋ ਮੈਂ ਡਾਲ ਲੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋ ਬੋਟੋ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਵੋ ਕਭੀ ਚੜ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾ ਉਧਰ ਸੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਵੋ ਜਲਾਬਾ। ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਅੰਕਲ ਥੇ ਬੂਟਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਥੇ। ਸਹੀ, ਵੋ ਹੁਆ ਕਿ ਯਾ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਰਾਨ ਜਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਮ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੋ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਸਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਿੰਪਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਰਾਨ ਦੇ ਤਰਫ, ਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਿੰਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਏ, ਜਬ ਆਪ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਪਹਾੜ ਪੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ ਹੋਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਵੋ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵੋ ਡੈਂਕਰ ਸਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਨਾ ਵੋ ਸਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ, ਤੋ ਆਗੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾ ਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਕਾਮ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਰਾਨ ਵਾਲੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬਿਠਾਤੇ ਹੈ, ਬੀਛੀ ਬੀਛੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੈਠ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜੇ ਨਾ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੀਛੀ ਬੀਛੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਫ ਗਏ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਬੈਠ ਜੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ, 2 ਡਾਲੇ ਆਏ ਥੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 60-70 ਹੋ ਗਏ ਥੇ, ਦੋਨੋ ਡਾਲੋ ਮੈਂ ਬਿਠਾਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਲੋਕ ਹਮੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਰਾਨ ਕੀ ਤਰਫ, ਸ਼ਹਿਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਆਤਾ ਹੈ, ਰਾਨਵੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਨਵੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਆਪ ਲੋਗੋ? ਹਮੇ ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਵੋ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਥੀ, FC ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸੋਟੀ ਜਿਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹਮੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲਗਾਈ ਥੀ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਡਾਲੇ ਮੈਂ ਡਲ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬਸ ਸਭ ਕੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ ਆਤੀ ਥੀ ਵੋ ਮਾਰਤੇ ਥੇ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ, ਸਹੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਤੋ ਸਭ ਲੋਕ ਖਮੋਸ਼ ਥੇ, ਸਹੀ ਉਨਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਥਾ, ਛੋੜ ਦਿਆ, ਤੋ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਆ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੀਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਛੋੜਾ, ਤੋ ਜਬ ਰਾਨ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੀਛੀ ਬੀਛੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹਮੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਵੋ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਜਬ ਹਮ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਆ, ਆਗੇ ਫਿਰ ਹਮ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਨੀ ਏਕ ਥਾ ਸਾਥ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਸੌ ਜਾਓ, ਹਮ ਸੌ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਨਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੁਬਹ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਵੋ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਸ ਕੀ ਤਰਫ, ਰਾਨ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਸ, ਤੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਸ਼ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਉੱਧਰ ਸੇ ਹਮਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ, ਬਾਗ ਥਾ ਬੈਠੇ, ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾ ਬਾਗ ਥਾ, ਵੀ ਯਾਦ ਖਜੂਰਾਂ ਕਾ ਬਾਗ ਥਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਧਰ ਪੌਦੇ ਥੇ ਦਰਖਤ ਥੇ, ਤੋ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਆ ਉੱਧਰ ਸੇ, ਫਿਰ ਉਨਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਾਰੇ, ਔਰ ਵੋ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਲੜਕੇ ਜੋ ਸਮਾਲ ਲੜਕੇ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਡਾਲਦੇ ਹੈ, ਕਾਰ ਕੀ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ, ਜੈਸੇ ਜੇ ਕਾਰ ਕੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਾ,
तो एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे को उस तरफ है, तो जो इस तरफ डाले इनका मुंह उनकी तरफ है। तो ऐसे वो चार लड़के, उन्होंने तीन चार लड़के कार के डिग्गी में डाले हैं, और दो फ्रेंड में एक फ्रेंड में वो लड़का बैठाते हैं कि जिस पैंट शर्ट पहनी हुई या जिसका रंग थोड़ा सा वाइट हो, पता हो कि रानी है। सही। तो उनको फ्रेंड में बैठाया, उसके पैरों में एक बैठा दिया फ्रेंड के, और बाकी ये जो सीटें हैं जो तीन लोग पीछे बैठते हैं इधर, तो अल्लाह माफ़ करे, वो आठ नौ लड़के बैठाते हैं। तकरीबन 13-14 लड़के जो है ना वो कार में ले कर जाते हैं, 14 कम से कम 14 ले कर जाते हैं। वो हमें ले कर जा रहे हैं, शराब से निकाल रहे हैं, हमें बम चौकी की तरफ जाना था। बम चौकी बड़ी फेमस है ईरान की, वो ख़तरनाक चौकी उनकी, उधर चेक करते हैं ना गाड़ियाँ। तो हमें ले कर जा रहे हैं, तो दो गाड़ियाँ थी, तीन वाले गए, तीन कारें, एक कार वाला आगे जा रहा, दो पीछे थी। आगे वाले ने फ़ोन किया, पता नहीं अल्लाह जानता पुलिस ने पकड़ा है या पुलिस उसके पीछे थी, उसने फ़ोन कर दिया कि अभी बंदों को आगे ले आके नहीं आना, आगे की तरफ नहीं ले के आना। तो उसने, मैं जिधर तारा था, पहाड़ था बड़ा सा, खाली था ग्राउंड, सुबह गर्मी होती थी, रात को ठंड होती थी बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास पानी भी नहीं था, खाने को कोई चीज़ भी नहीं थी। तो जेंट बोल रहा मैं रात को पहुँच जाऊँगा। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, कि जो हमने कपड़े पहने हुए थे ना, ये इनकी हालत कोई नहीं थी, पसीने के साथ सुबह ऐसे हो जाते थे, रात को ठंड होती थी, खाया भी कुछ ना। एक लड़का फिर वो गुलफाम जिसका नाम डस्के का लड़का है, तो वो तंग आके कह रहा कि मैं ना मेन पे जाता हूँ, तो रान वाली पुलिस को कहता हूँ कि मैं इस तरह आया तो मैं वापसी जाना। वो सही, जब मेन पे जाता तो पुलिस पकड़ लेती, वो ऑटोमेटिक फिर आपको वो जेल में ले जाती है, उस कुछ अरसे के बाद फिर आपको वो डॉक्यूमेंट आपके आईडी कार्ड या पैसे मंगवा कर आपको रिपोर्ट कर देती है कराची की तरफ या जिधर भी करना हो भेज देती है वो। तो वो जो मुस्ताक साहब थे हमारे मोहल्ले के, वो कह रहे हैं जी नहीं जी इतनी मेहनत की है अभी नहीं जी ये या वो, तो इसको वापसी नहीं जाने देना। वो कहता मैं जा रहा हूँ, मैं वरना मर जाऊँगा, मैं प्यास लगी है मुझे ये वो। ये जो होंठ होते हैं ये खुश्क हो गए थे हमारे साहब के, और नहाए भी नहीं थे, कपड़े मारे बिल्कुल ही फटने वाले हो गए थे पसीने से। तो फिर वो वे की तरफ जा रहा, रोड की तरफ, तो मस्ताकी भी उसके पीछे जा रहा है, उसको वाजन लगा गुलफाम ना करी यार ना जाए, बड़ी मेहनत की हो। जो तो रोड के कोल जाता थे वो ना, हूँ अल्लाह लोग साढ़े जो जेंट से ना, ये बड़े तेज़ होंगे ने, जो रानी होंगे ना जो भी है, ये CID लेंदे ना कि बंदा बाहर तो निकल रहा, वो कहते रोड से आ रहा है अगों। तो इन्होंने लै रहा था, हाँ तुम रोड से की कर रहे हो, कहता इस तरह सूँ ये मसला है। उन्होंने कार चबा लिया, तो जाके बिस्कुट के पैकेट चार पाँच, पानी के दो कार्टन लैके दिते, छे छे बोतल वाले जूस एक दो लैके दिते, उन्होंने कहा खावो पियो सवेरे मैं तुम्हें ला जाऊँगा, टेंशन नहीं लैनी। वो आए वापसी पानी चुकया बिस्कुट नहीं, क्या कि मौजदा हो गया कि तू लै गया, वो कहता यार एक रानी से उन्होंने ऐसे दसिया तो उन्होंने लै दिता। मैं कहा नहीं यार रानी हों तो की पता, पुलिस ने कॉल कर दिता। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा यार तुम खाओ, जेंट मिले हैं, उन्होंने कहा यार हूँ बाहर ना निकलो, एक दिन कल सवेरे लाया। तो वो देख रहा था आप लोगों को, हाँ वो बाहर अक्सर मेन पे था ना, तो मेन से काफ़ी तकरीबन 1 किलोमीटर आप पीछे लगा लें, पीछे हमें वो पहाड़ों के सेंटर में हमें रखा हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती तो हमें तो मुसीबत पड़ जाती। और आप लोग ओपन एयर में थे? ओपन थे, ओपन बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं है, कोई दरख्त नहीं है। तो कहाँ सो, कहाँ रात को? उधर ही ग्राउंड में सो रहे हैं, एक चादर थी एक भाई के पास, इमरान उसका नाम है गाँव का था, वो चादर मैं उसके पास साहब ऐसे ले कर खींचते थे, कभी मेरे ऊपर होती थी सुबह, कभी किसी के ऊपर होती थी, बस ऐसा टाइम तीन दिन पास किया। अच्छा तीसरा दिन जब गुजरा, पानी शानी पिया, वो आया अपना जेंट, उसने वाजे लगाना शुरू, उसने कोडवर्ड रखा हुआ ना, वाजे लगाना शुरू कर दिया उसने। कोडवर्ड क्या था? वैसे जैसे कोई सीढ़ी मारता है, कोई वैसे कहता है बीशी, कोई वैसे कोई वाजे निकाली उसने, हमें पता चल गया हौसला हो गया भी वो आ गया। उसने मेन पे गाड़ी खड़ी की थी, थोड़ा सा आगे आया, वाजे लगाई हम दौड़ के उसकी तरफ गए हैं, कोई कार के डिग्गी में जो नहीं भी बढ़ना चाहता वो भी बढ़ रहा है, टाइम वेस्ट ना हो जल्दी निकले, बैठे हैं। फिर उसने गाड़ी चलाई है, तो हम गए हैं बम चौकी की तरफ, काफ़ी गाड़ी चलाई उसने, रात का टाइम हो गया था, बम चौकी की तरफ हम गए हैं। तो रान हम समझते कि देखें जी पाकिस्तान बड़ा छोटा है, पाकिस्तान को छोड़ते वक्त हम 3-4 दिन लगे थे, तो रान इससे बड़ा है, रकबे के हिसाब से रान इससे बड़ा है। तो रान उसने इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाई है, तो फिर उसके बाद हम पहुँचे हैं बम चौकी के पास, रात का टाइम हो गया। फिर उसने हमें तारा उधर, कहता कि यार 3-4 किलोमीटर ना ये पहाड़ी है, इधर से आपने पीछे से होके ना आगे आ जाना, ये बम चौकी आपने क्रॉस करनी है,
अगर मैं आपको लेके जाऊंगा ना तो मसला ख़राब है। हमने बोला ठीक है तार दे। 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हमने ना वो पीछे में उसने तारा में उसने समझा दिया कि ऐसे ऐसे आपने पीछे से होकर आगे आ जाना, आगे मैं मेन पे जिधर मैं आऊँगा ना उधर आके मेन के आपने निकल आना है आगे। ऐसे हमें वो फिर 4-5 किलोमीटर हमने सफ़र किया तो आगे वो खड़ा था कार पे, फिर उसने बैठाया, फिर वो हमें ले गया तेहरान कैपिटल ईरान का, उधर ले गया। और रास्ते में कोई पुलिस ने या वो कोई भी नहीं था? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, एक पुलिस वाले ने वैसे ही वो ट्रैफिक वाला था पता नहीं वो उसने आ दिया तो उन लोगों ने नहीं खिलाड़ी तो वो गुस्से में आ गया था वैसे वो। तो फिर वो हमें बम चौकी क्रॉस किया तो रात का टाइम था, तो फिर आगे जा के फिर थोड़ा सा स्टे करा के ना तो फिर वो उसने सफ़र कर दिया कैपिटल तेहरान का, तेहरान ले गया। तेहरान हम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उसने सफ़र कराया हमें तेहरान का, तो तेहरान ले कर गया तो उधर हमने स्टे किया। तो उधर गली में जिधर हमें उतार रहे थे ना उधर पुलिस वाला रानी आ गया, वो ये लोग जो हमें लेके जा रहे थे ना रानी जिनके घर हमने स्टे करना था ये लोग परेशान हो गए। उसका एक बच्चा था तकरीबन 12-13 साल का, वो रोना शुरू हो गया कभी पुलिस को पता चल गया। फिर उसने बच्चे के अबू ने पुलिस वाले के साथ बात की है, कोई पता नहीं क्या बात की है, पैसे ऐसे मेरा ख्याल अंदर से ला के दिए हैं, तो वो उसने कुछ भी नहीं कहा। हमें रात उधर गुजारी हमने, तो सुबह 3 का टाइम हुआ है तो उन लोगों ने फिर कारों में बैठाया हमें, तो वो माको की तरफ लेके गया हमें। सुबह 3 बजे बैठाया तो शाम को तकरीबन 5 बजे माको पारी की तरफ हमें जाके तारा, जिधर हमने माको का सफ़र पैदल करना था हमें, फिर माको की तरफ तारा जाके फिर उधर जाके हमने बैठे हैं। माको में जब बैठे हैं तो पाकिस्तानी तो आए थे, अफगानी भी थे, फिर वो फलस्तीनी जो सूडी जिनको बोलते हैं वो भी आ गए, उनकी लेडीज पूरी पूरी फैमिली उनकी आ गई है, सारे उधर इकट्ठे हुए हैं। ये फसल थी पता नहीं किस चीज़ की बड़े बड़ी, तो खेत वगैरह थे बड़े और सेंटर पे पहाड़ थे, सेंटर में जाके हमें उतार दिया। तो फसल वो वैसे जैसे पानी में वैसे नहीं हो जाती कुदरती तौर पर, वो फसल थी उधर हमें बैठा दिया। तो 2 घंटे गुजरे तो वो ग्रुप बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, हम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बन गए। वो फिर गाड़ियों में आसा आसा लोगों को लेके आ रहे थे, उधर जमा कर रहे थे काफ़ी लोग, जब जमा हुए हैं तो फिर उसके बाद लोगों ने ग्रुप बनाया कि ग्रुप के साथ निकलना, अगर एक ग्रुप पकड़ा भी जाता तो 3 पहुँच जाए। तो 4 ग्रुप उन लोगों ने बनाया, तो हर ग्रुप के साथ 2 टैंकर थे जो ले के जाते हैं, एक आगे होता है एक सबसे पीछे होता है, एक आगे होता है एक सबसे पीछे होता है। जब वो हमें लेके निकले ग्रुप बनाया तो हम जो लड़के थे एक ग्रुप में थे, ज़्यादा नहीं हुए एक ही ग्रुप में थे। तो फिर वो हमें लेके गए हैं तकरीबन 7 का टाइम हुआ है, तो पैदल उस लोगों ने हमें सफ़र शुरू करा दिया। 5 बजे पहुँचे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, लोग और भी जमा हुए हैं, ग्रुप बना के फिर सफ़र शुरू कर दिया। जब हमने सफ़र शुरू किया तो फिर पैदल ही पैदल सफ़र, पैदल मार्च पहाड़ों में पानी में, इतना पानी था। फिर सफ़र करते करते रात हो गई, फिर हमें फिर उन लोगों ने बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने रेस्ट करनी है, कहता नहीं रेस्ट नहीं करनी, ये आखिरी स्टेट आपकी। और वो लेकिन उनके लोग भी साथ ही चल रहे हैं आपके? हाँ उनके, देखे ना एक लड़का आगे होता है एक पीछे होता है, एक आगे रास्ते। और उसकी क्या उम्र होती है? वो किसी की 30 साल की, किसी की 35 साल तकरीबन इतनी एज होगी। फिर वो ले के हमें गए हैं पैदल ही। तो जब सुबह के चलते चलते सुबह के 6 हो गए, 5:30 या 6 का टाइम जाने हो रही थी, 5:30 का होगा, तो आगे जो तुर्की की वो बॉर्डर ना वो आ गया दोगो ब्यास जैसे मोर्चे बने हुए ना, तो पीछे से पैदल आ रहे हैं तो आगे फिर वो जैसे फौजी नहीं है ऐसे ऐसे कोणियों के ऊपर आते हैं लेट कर, कहते ऐसे जाओ। पानी क्रॉस किया, लोगों को ठंड लग रही, सुबह का टाइम 5:30 का, फिर कोणियों के ऊपर हम थोड़ा सा पैदल ऐसे सफ़र किया 5-5 मिनट, कहते जल्दी करो जल्दी करो, तो खुद ऐसे बैठ बैठ के जा रहा है हमें ऐसे कह रहा है। थोड़ा सा सफ़र किया तो फिर कहता बस खड़े हो जाओ वो पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठ जाओ, अभी गाड़ियाँ आती हैं आपको ले जाती हैं। वो फिर हम तुर्की के अंदर एंटर हो गए ना, तो 6:30 का टाइम हो गया, थोड़ा सा हमने सफ़र किया, 5:30 स्टार्ट किया जाने हो रही थी, फिर थोड़ा सा आगे पैदल सफ़र किया। तो फिर वो कहते आप वो सामने जो पहाड़ी की चोटी है उधर जाके बैठ जाओ, तो तुर्की आप पहुँच गया। क्या ठीक है, तो हम
गाड़ी नहीं आ रही थी, हम सो गए तकरीबन 7:30 8 का टाइम हुआ, एक घंटा सोए रहे हैं। गाड़ी आई है, कोस्टर नहीं होती एसी वाली जो है, फिर वो हम कोस्टर में इन हुए हैं 40 बंदे 45 बंदे जितने भी हैं, बस वो 3-4 कोस्टर आई हैं, 40 45 45 45 बंदे उसके अंदर इन हो रहे हैं, ज़्यादा भी हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा भी हो रहे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई खड़े होकर जा रहा है, कोई जैसे भी है। तो वो दोगो ब्यास का बॉर्डर था, उधर से हमें तुर्के आए हैं, वो तुर्के हमें लेके गए हैं अपने घरों में, बड़े बड़े घर थे उनके, उसके अंदर घरों के अंदर ना वो 3-3 कमरे हैं, साथ ही वाशरूम है, उसके अंदर जाके मैं बोला कि आप बैठ जाए इधर, पानी शानी पिए, बाहर से मेन से ताला लगा दिया। अच्छा, बाहर से कि आप लोग बाहर ना जा सकें। कमरे ये जैसे कमरे होते हैं, कमरे के अंदर इन किया, तो मेन कमरा जो है जैसे लोबी है, टीवी लाउंज है, इधर से ताला लगा दिया, और अंदर 3-4 कमरे हैं, वाशरूम भी अंदर है। तो मैंने फिर घर वालों को कॉल की है कि मैं कॉल कराते हैं अभी, आप कॉल कर लें। तो मैंने कॉल की है कि मैं पहुंच गया हूं, फलाने एजेंट को पैसे दे दें। वो पेमेंट जो पहले 15,000 दिया हुआ था, तो फिर 2,20,000 देना था, 2,05,000 और दिया, तो पेमेंट के लिए कराई है, तो मैंने तो दे दी दूसरे दिन ही पेमेंट, आज बताया कि मैं पहुंच गया हूं। और ये किसने दी थी पेमेंट? बड़ा भाई था मेरा, भाई खलील, ठीक है, फ्रूट वाला। तो आज पहुँचा तो कल मेरी पेमेंट हो गई है। तो दूसरे लड़के हैं जो, उनकी पेमेंट थोड़ी सी लेट थी, उनकी वजह से मैं अभी एजेंट कह रहा जी ने जी आपको नहीं निकालना, क्योंकि आपकी पेमेंट हो गई है, लेकिन आपके ग्रुप के कुछ लोगों की पेमेंट अभी रहती है, तो ग्रुप ही निकालेंगे। फिर तीन लोगों की पेमेंट हुई है, तीनों को निकाल दी, तीन बाद में निकले हैं। तो जब पेमेंट हुई है, फिर उन लोगों ने हमें टिकटें ले के दी है ना, गाड़ी में ले के हमें आया स्टॉप पर, बस स्टॉप पर, उधर से फिर हमें टिकटें ले के दी उन लोगों ने, इस्तांबुल की कैपिटल शहर जो तुर्की का है, टिकटें लेके दी, हम गाड़ी में बैठ गया। तो गाड़ी का जो सफ़र था वो तकरीबन 24 आवर का था, 24 घंटे का। और गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? बड़ी गाड़ी थी, एसी वाली, जैसे ये कायनात ट्रैवल की है, जहाँ इनसे बेहतर थी, जैसे कोस्तान की बड़ी गाड़ी एसी वाली, और आम लोग भी सफ़र कर रहे थे उनके अंदर, कैपिटल के लिए जानी थी वो इस्तांबुल, तो उनके अंदर बैठ गए फिर। और लेकिन उस टाइम तक आप लोग इलीगली हैं सारे अभी? हाँ, इलीगली हैं, इलीगली जा रहे हैं। तो वो टिकट कैसे उन्होंने? वो ले देते हैं ना, उनका उनकी कंट्री है, उनका जैसे हमारी कंट्री में कोई आता है तो हमारा काम है किसी को टिकट लेके देना, जैसे वो लोग करते हैं। तो फिर गाड़ी के अंदर इन हो गए हैं, तो गाड़ी चलना शुरू हो गई है। तो शाम का खाना फिर गाड़ी ने स्टे किया किसी होटल पर, उन होटल वालों ने खाना फ्री दिया, खाना फ्री खिलाया, पता नहीं टिकट के अंदर ही था, पता नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर गाड़ी चलना शुरू किया, आगे जाके चाय पिलाई इन लोगों ने, पानी शानी तो गाड़ी के अंदर ही था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो जब सुबह आई है तो हम इस्तांबुल में पहुंच गए, दूसरे दिन पहुंचे हम, दूसरे दिन इस्तांबुल में पहुंचे हैं, दूसरे दिन इस्तांबुल में पहुंचे हैं। तो बस में ही बैठ के रब्ता हो गया, जो जब हम तुर्की से निकलना था ना दोगो ब्यास से, तो एक लड़का था वो गुजरा वाले का, उसका नाम पता नहीं, कील नाम था पता नहीं उसका, तो हमें बोला गया कि कील नाम का लड़का आपको आगे लेने आएगा। तो फिर उनका नंबर गुलफाम के पास आ, गुलफाम ने बोल दिया कि हम फलाने जगह पे पहुंच गए हैं इस्तांबुल में। और ये आप अपने एजेंट से ये भी रबते में हैं? अंकल फाम था जो ना लड़का डस्के का, वो रबते में है, उसने बोला कि फलाना नाम का लड़का है, उसका ये नंबर है, तो आपका नंबर भी मैंने उनको दे दिया, सिम ले ली थी ना हमने उधर से, फिर तो वो आपको पिक कर लेगा। तो जब हम इस्तांबुल के अंदर ही न होया, तो फिर उसको मिस कॉल किया, वो लड़के ने कॉल किया, उनको बताया कि हम फलानी जगह पे पहुंच गए हैं, गाड़ी जो है ना इस्तांबुल के अंदर इंटर हो गई है। तो कहता है कि फलानी जगह पे आपने जब जिधर बस स्टॉप होगा ना, फलानी जगह पे आपने जाके ना मस्जिद के पास जाके खड़े हो जाना है। और कितने लोग हैं आप लोग भी है? हमें 6 की बात थी ना, हम 6 के बंदे थे। तो हम मस्जिद के पास जाके गाड़ी जिधर खड़ी हुई है, हम उतरे हैं स्टेशन पे, थोड़ा सा चले हैं, मस्जिद ढूंढना शुरू कर दिया कौन सी मस्जिद है, जाके खड़े हो गए, उसको कॉल किया, कहते हैं मैं आ रहा हूँ। अच्छा, उसने निकर पहनी हुई है, उसने ड्रेस बता दी कि मैंने निकर पहनी है, नीचे स्लीपर पहने हैं, ऐसे मैंने शर्ट पहनी है आप बाजू वाली, तो मुझे देखना, मुझे बुलाना नहीं है आपने, सही, मैं आपके पास खड़ा होगा, आपने मेरे पीछे आ जाना, क्योंकि अगर आप किसी को पिक करने आता तो पुलिस देख ली तो वो जेंटी का जो कहते हैं ना पर्चा हो जाता है। वो लड़का आया तो हमारी तरफ देखा है, हमने कॉल उसको किया, उसने फ़ोन काटा है आगे से ठाके, हमने समझा कि ये बंदा ना, हम उसके साथ चल गए, उसने जाके खुबस लेके आया, रोटी होती है उसको खुबस, सोमियाँ होती हैं तुर्की की बड़ी बड़ी, और खाना शाना में खिलाया, तो
तो एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तो भाई को कॉल किए कि मैंने भाई को बोला कि भाई आगे कह रहे हैं कि सख्ती हो गई है यूनान के लिए, जो तुर्की का दरिया है ना, जिधर बॉर्डर है, जिधर से हमने क्रॉस करना था समंदर परली तरफ जाना था यूनान की तरफ, और ये भी इस्तांबुल, हम इस्तांबुल पहुंच गए थे ना, ठीक है। दो दिन गुजरे हैं, तो मैंने भाई को बोला कि भाई आगे, भाई कहता है वहाँ रहे आप, कहाँ रहे थे, किस साइड पर? इस्तांबुल शहर के पास ही था कोई, अभी उस एक्सरे या पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इस्तांबुल शहर के साथ ही था। सो महसूस कैसा हुआ जब इस्तांबुल पहुंच गए आप? बड़ी खुशी हुई। इस्तांबुल तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो। जैसे हम इस्तांबुल एंटर हुए तो यही पता चला कि हम यूरोप पहुंच गए। मुझे तो यही था कि यही यूरोप है। उनका बड़ा डिफेंस सारा बड़ा अच्छा है, उनका यूरोप वाला उनका सारा मॉल है। तो फिर वो ट्रेनें भी उनकी ऐसे ही हैं जैसे यूरोप कंट्री में चलती हैं। तो हम फिर भाई को दो दिन रुके, हम भाई को मैंने बोला कि भाई आगे वो कह रहे हैं सख्ती हुई है, तो क्या करें? भाई बोलता है यार आप ऐसा करें एक दो दिन स्टे कर लें, तो मुझे जेंट अगर आपका जो फ़ोन करता तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना। मैंने बोला चलो सही है। भाई ने बोला आप निकले। मैंने बोला भाई नहीं, मैं इधर ही किसी को पैसे देता हूँ, तो मैं इधर ही अभी 5-6 माह इधर ही लगाता हूँ, काम करता हूँ, ज़ुबान सीखता हूँ, फिर को देखता हूँ। भाई कहता नहीं यार तुम अभी घर से निकले हुए हो, अभी अपना मिशन पूरा करो, अब निकल जाओ, जेंट कह रहा है तो शाम को आपने निकलना है। शाम को हम निकले हैं तो बस में बैठे हैं, वो लड़के ने हमें टिकटें लेके दी हैं, वही लड़का जिसके घर में रुके हुए थे। और ये पाकिस्तानी है ना? हाँ, वो गुजरा वाला का था। तो वो लीगल था वहाँ या वो उधर पुराना रह रहा था, तुर्की में काम कर रहा था? सही। तो फिर वो लड़का मैं लेके गया बस स्टॉप पे, उधर जाके उन्होंने टिकटें लेके दी हैं। तो बस चली है तो आगे तकरीबन आधा सफ़र हम तय करके हुए थे ना। कितने घंटे का? तकरीबन 5 घंटे का। सुबह हमने उधर पहुँचना था ना, सर की पहुंचना था 6 बजे वो पॉइंट पे, जो पॉइंट है ना, जो समंदर का पॉइंट है, उधर से जब यूनान के लिए तुर्की के लास्ट जो है ना पॉइंट पे पहुंचना था। तो हमने जब उधर से निकले हैं तो 5-6 घंटे का सफ़र किया, तो आगे पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले उन्होंने मेन हाईवे पे, हाँ, उन्होंने बस चेक किया तो उन्होंने बोला उन्होंने वापसी ले जाओ। वापसी ले के आ गए बस। फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने वापसी मतलब वो इस्तांबुल की तरफ आ गए ना, हमने जिनान की तरफ जाना था ना। नहीं तो पुलिस ने रोकी है बस? पुलिस ने बस रोकी है ना, ठीक है, चेक किया है, ठीक है, बस वाले को बोला कि इन लोगों को वापसी ले जाओ, आगे लेके नहीं जाना। लेकिन पुलिस ने पकड़ा नहीं है? हाँ नहीं पकड़ा, उन्होंने बोला पूरी बस थी ना, पूरी बस ले जाओ। उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वो बस के अंदर पाकिस्तानी भी, उस बस के अंदर पाकिस्तानी भी थे, वानी भी थे, और लेकिन नॉर्मली तो पुलिस पकड़ नहीं लेती है। फलस्तीन के लोग भी थे, फलस्तीन के जो लोग थे उस टाइम बॉर्डर ओपन थे ना। सही, मैं आपको बता रहा था बॉर्डर ओपन थे। तो बस वापसी कर दी उन लोगों ने, तो बस फिर अपने वो टर्नामेंट पे वो इस्तांबुल के जो बस स्टॉप उधर आ गई है, हम सुबह उतरे हैं तो वो आगे लड़का आगे खड़ा हुआ है, हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे बस वापसी कर दी है। तो बस शाम को फिर उन्होंने टिकटें करा दी है। मैंने बोला यार अभी तो थके हुए हैं, कहता भाई निकलो जैसे भी यार निकलो। तो निकले तो फिर सफ़र किया, तो फिर आगे वो समंदर है वो पता, बड़े बड़े शिपों के अंदर बस लोड करके तो वो तकरीबन फिर आगे जाके वो दूसरी हाईवे में उतार देते हैं। तो 5-6 घंटे का सफ़र किया दूसरी तरफ, पता नहीं लेके गया वो समंदर का वो सफ़र किया हमने, बस पूरी पूरी बस शिप के अंदर जा रही है। लेकिन उस टाइम वो जब आप शिप में जाते हैं तो उन्होंने पूछा नहीं कि कौन है? पूरी बस ही, पूरी बस, कोई पूछा नहीं भाई। सही, ये 2015 में जो भी गया वो सारी ये आपको बताया, किसी ने नहीं पूछा सर। वो फिर उधर हम गए हैं बस में, पूरी बस ही शिप के अंदर गई है, हमने शिप की बस के बाहर आए हैं, बस से थोड़ा सा व्यू देखा है। तो डर लग रहा था पानी से, तो एक लड़का था वो कह रहा था, जो मेरे गांव का लड़का था इमरान, उसको एक लड़का कह रहा था कि इमरान भाई आप कह रहे हैं यार कि आपने यूनान जाना, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा समंदर नहीं है, तो आप डर रहे हैं, तो जो आपने क्रॉस करना है तो वो तो शिप के अंदर भी नहीं क्रॉस करना आपने, वो आपने वैसे नॉर्मल शिप बोर्ड के ऊपर किश्तियों में जाना है, किश्तियों में जाना है। तो वो डर गया वो लड़का। फिर हमने वो अपना किया है, पार किया, बस में अंदर बैठे हैं तो हमने उधर पहुँचे हैं, तुर्की पॉइंट पे पहुँचे हैं, बस ने तारा मेन हाईवे पे। उधर से फिर हम पैदल कोई 8-9 किलोमीटर जो है ना हमने पैदल सफ़र किया, आगे समंदर आ गया। समंदर आया तो उधर एक दिल का लड़का था, वो भी डस्के का था, उसकी उम्र भी 30-31 साल की थी। तो हमने बोला कि
में मानी जेंट है जो डस्के का, उसने भेजा, सियालकोट और डस्के दोनों तरफ रहता है वो, उसने भेजा जी। कहता ठीक है, और उसने पहचान लिया उसे? हाँ, उसने बोला ठीक है मैं मेरी बात करा दो। तो हमने बोला कि ये नंबर है उन मानी के साथ। मानी ने बोला जी जी मेरे अपने बंदे ने जी, इन्होंने खड़ना तुम्हें। उन्हें कहा ठीक है, उन्हें कहा चलो जवान वो किश्तियाँ कड़िया ने प्लास्टिक वाली नहीं हों जिमें टायर दिन ट्यूब होंगे ट्यूब वाली किश्ती कड़ी है वहा भरते रहे हैं पहला किश्ती से वहा भर के एक छोटी जी अपना मोटर है छोटी जी मोटर होंगी है पानी के अंदर जाती है तो पानी ने पिछे कर दिए तो किश्ती अगे जाती है तो वह मोटर वहा शाह भर के असी पैडल पंप से पैडल वाले वहा भड़ी वे उस बाद उन्होंने मोटर लाई है मोटर ला के तो किश्ती सुटी है तो उन्होंने असी पा दिता फलस्तीनियों और फलस्तीनी कदम भी किश्ती नहीं चला सकते जिगरा नहीं है उन्होंने तो मरान अगे मेरा जरा महल से डरता से मुंडा बेचारा तो किश्ती फलस्तीन पाले तो फलस्तीनियों जेंट ने कहा कि एक पाकिस्तानी मुंडा ला जाओ किश्ती चलाएगा पाकिस्तानी तुम्हें लैके जाएगा वो कहते साड़ी फैमिली है असी भी पाकिस्तानी नहीं खड़ना क्या तुम्हारी मर्जी पर अगे गया तो किश्ती चलाने वाला जो समुद्र की ठल देखी उन्होंने तो डर गया उन्हें किश्ती थोड़ी जी हैंडल होंगे ना जिम्मे मोटरसाइकिल की एक होंगे ना स्टेयरिंग होंगे ऐसा हैंडल होंगे वो इन फटे होंगे जो रेस देनी है तो सीधे स्टेट जाना है। और कितने घंटा था आगे वो सफ़र? तो वैसे सर 35 से 40 मिनट क्या अगर आप अच्छे तरीके से स्टेट जाते हैं, अगर आप ऐसे जाते हैं वो तकरीबन 2 घंटे भी लग जाते हैं, 1.5 घंटे भी लग जाता है, वो बंदे पर डिपेंड होता है। तो वो जो है फलस्तीनी अरबी या सूरियन वो सीधा जा रहा था तो वो थोड़ा सा ट्रेड हो गया, डर गया बेचारा, वो किश्ती थोड़ी सी उससे हो गई, वो बैक आ गई ना। तो ऐसे ये समंदर है, समंदर के साथ एक चोटी भी है पहाड़ है, वो चोटी की तरफ आई है तो किश्ती उसके साथ टकरा गई, वो डैमेज हो गया। तो हमें ये था कि ये जेंट बस यही काम छोटी छोटी किश्ती इनके पास ना और कुछ भी नहीं होगा। तो वो जैकटें पहनी होती हैं वैसे, वो बच्चे थे कोई औरतें थी कोई सूरियन थे वो डूब रहे थे, इधर से जेंट ने इस नुकर से वो स्वीट बोर्ड निकाल लेके आया, स्पीड बोर्ड लेके आया ऐसे, वो देखा मैंने बोला जैन तो बड़ी पहुँची हुई चीज़ है जी, लड़कों को लड़कियों को बच्चों को उठाया पहले बाहर निकाला। हूँ मरान हूँ जड़ा है वो पहाड़ी की चोटी के नाल ही समुद्र के किनारे बैठा है तो कह रहा है कि जिस तरह भी होता मैं पाकिस्तान भेज दो। मैं क्यों? कहना मैं समुद्र क्रॉस नहीं करना। मैं यार क्यों नहीं क्रॉस करना? कहता मैं मरना है। मैं यार ना हूँ मुश्किल वक्त असं कट गए, वो सामने जनान है, वो सामने जनान है। कहता हाँ। मैं क्या वो सामने नज़र आ रहा? कहता अच्छा। असल च किश्ती असी अपने पास बनाई उन्होंने बालिया, वो असी साइडा दे बह गए तो उन्होंने सेंटर च बाली तो फिर भी ना पवे, वो खा चौका उन्होंने मैं बालिया सेंटर च बा के तो मैं शर्ट दे दी मूँह से लम्बे पा रखा। हूँ जेरा जिन्होंने किश्ती चलाने के मुंडे का ना आसम मुंडे का ना सी गुजरात का, उन्होंने कहा किश्ती तू चलानी है। कहता मैं, वो कहता पहले ही कहता मैं चलावगा, कहता तू चला ले। लेकिन आती किसी को नहीं थी चलानी? किसी को नहीं सर, जैसे मोटरसाइकिल की रेस नहीं होती, मतलब बस देसी बस ये दुबाना मोटरसाइकिल जैसे रेस होती है, हैंडल होता है ऐसे, वो ये देखिए ये कापा नहीं ये मोटर है ठीक है, और इसके ये वाली चीज है ये रेस है और ये हैंडल है, आप इसको सीधा लेके जाएंगे सीधा आएगी आपकी तरफ, आपको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो इधर जाएगी, मैंने जाना आपकी तरफ है, मुझे फिर इधर से इधर आना पड़ेगा ठीक है। तो कभी ऐसे ले जाए कभी ऐसे ले जाए, और इमरान मुझे पूछ रहा है एक घंटा गुजर गया, कहता है यार पहुँचा कि नहीं पहुँचे? मैं कहा यार सेंटर से पहुँचा। कहता इन समझा ना किसी सही चलाए। मैं फिर वो कहता आप ही चला ला। कहता क्या चल चला चला तू। वो थोड़ा जहा टाइम गुजर तो उन्होंने कह रहा चला यार आराम से। और वो अंकल भी आपके साथ ही? अंकल भी साथ ही, अंकल बूटा, अंकल थके नहीं अंकल बूटा द्रुशरी पा रहे हैं तो सू किसी ने कहा द्रुशरी भी ना पढ़ो समंदर है ना पढ़ो चलो नहीं। ये किसने कहा? किसी ने बोर्ड में ही बोला ना कि ना पढ़े आप मेहरबानी करें जो समंदर है ये जलाल में आ जाता है यकीन करें। हमने पढ़ गए तो हम खामोश हो गए जी, हमने बोला ठीक है जी खामोश हो गए, जानना मेरी चीज चंगी है, असं खामोश हो गए असं आखिया चलो ठीक है। तो वो फिर पाकिस्तानी किश्ती थोड़ा अगर इंटरनेशनल जो समंदर क्रॉस करी दे ना, इंटरनेशनल समंदर है, इंटरनेशनल का मतलब होंगे कि सेंटर से जाने तो तुर्की की दूध खत्म हो जाती है, अगर जनान की शुरू हो जाती है, असं वो छड़े तो अरबी हूँ जरा है ना वो कह रहा है साढ़े मुंडे को कि तू किश्ती गलत चला रहे कदम अदर खा रहे कदम मैं तुम्हें छुड़ी कट मारने उन्हें चाकू खंजर कर लिया। वो खंजर दिता दिता सानू देंगे ना जेंट देंगे ने कि जो तुम जनान के किनारे पहुँचते हो ना ये इन्हू डैमेज करना है, किश्ती पार देनी है, फिर अगर जनानी बंदे खड़ोते होंगे ना मोटर चौके गड्डी च रख के तुर जाते हैं फिर किश्ती तुम इंज नहीं छड़नी। असी जो इंटरनेशनल संबंध क्रॉस किया तो अरबी गुस्से च मैं
ऐसे कर दूंगा वैसे, अपनी जुबान में ऐसे ऐसे इशारे करा रहा है, समझ तो आ नहीं थी उसकी। तो लेकिन वो क्यों कह रहा था ऐसे? कहता ये गलत लेके जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे। हमने बोला आप चला लें, कहता नहीं ये यही चलाएगा, उसको बोलो सीधे लेके जाओ, ऐसे वो अपनी जुबान में लगा हुआ है, हमें समझ थोड़ी थोड़ी आ रही है, यही कह रहा है, कहता ऐसे लेके जा रहे, उसको बोलो ऐसे। लेकिन और सामने आपको यूनान नजर आ नजर आ गया, इंटरनेशनल समंदर हमने क्रॉस कर दिया, आगे फिर गए हैं तो वो फिर किश्ती हमने डैमेज की है, हमने वो खंजर उससे ले लिया था, अरबी से हमने छीन लिया था। तो फिर हम समंदर हम जब किनारे पर पहुँचे हैं, थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो तकरीबन 3 मीटर या 4 मीटर वैसे ही नज़र आ रहा था, तो हमने किश्ती ज़ाया कर दिया, तो किनारे पे हम आ गए हैं वापसी। एक किश्ती पीछे आ रही थी, उसमें ज़्यादा औरतें थी फलस्तीन की, तो वो डूब रही थी, तो मैंने मुझे तैरने की भी जाँच नहीं थी, तो मैंने शूज़ भी नहीं उतारे थे, मैंने छलांग लगा दी ऐसे, वो मेरे सारे दोस्त मुझे मना कर रहे थे, मैं गया हूँ वैसे निकालने, उनको मदद की, वैसे मैं मदद करने गया हूँ, तो एक अरबी था वो मोटा था, वो मेरे ऊपर बैठ गया, मैं उसको निकाल रहा हूँ नीचे से वजन ऐसे कर रहा हूँ, धिक्का लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर बैठ गया, बड़ी मुश्किल से फिर वो बाहर आए, यूनान में पहुँच गया। और यूनान में लेकिन जब आप कश्ती उतरी है तो उधर कोई पुलिस या पुलिस कोई नहीं थी सर, उधर लोग थे यूनानी, उस टाइम फ़लस्तीन का आपको मैंने पहले भी बोला, फ़लस्तीनियों के लिए जर्मन ने हर कंट्री को बोला था नरमी के लिए, बॉर्डर ओपन किए हुए थे, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि ये तो कहीं से भी सर, वो फिर बाद का मसला था ना, लग तो नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन वो हुआ फिर ये आगे, फिर वो यूनान के लोग खड़े थे, उन लोगों ने ब्रेड ली हुई थी, जैम लगा हुआ था, वाटर था उनके पास, वाटर दिया है, ब्रेड शेड दिया है, तो वो हमने ब्रेड खाई है, तो फिर कोई फ्रूट दिए उन लोगों ने, फिर हमने पैदल सफ़र किया, पैदल हमने तकरीबन समझ लें कि सुबह 10 बजे बोर्ड हमारी निकली है, 11:30 हम समंदर के किनारे पहुँचे हैं, तो 10-15 मिनट स्टे किया, खाया हमने, तो फिर यही होता कि यार कोई पकड़ ना ले, तो फिर दूसरे लोग सारे लोग जो आगे और भी लोग जमा थे, काफ़ी ज़्यादा सोडियन थे, वानी थे, वो जा रहे थे, उनके पीछे पीछे हम भी फिर सफ़र शुरू कर दिया। हम उधर से फिर तकरीबन समझ लें कि 12 बजे पैदल चले हैं सुबह के टाइम, और रात को 3 बजे हमें एक पुलिस स्टेशन मिला उनका यूनान वालों का, ग्रीस का यूनान के पुलिस स्टेशन मिला, उधर गए हैं तो आगे सब लोग सोए हुए हैं ऐसे, को नीचे ऐसे हम भी जाके सो गए पुलिस स्टेशन में। हाँ वो पुलिस स्टेशन था तो सब सोए थे, हम भी जाके सो गए, तो वो तकरीबन सुबह 7 का टाइम, उन लोगों ने बड़ी बसें मंगाई हैं बड़ी वाली पुलिस वालों ने, उन लोगों ने हमें बैठाया बसों के अंदर, तो हमें मतलिनी जजीरा इसका ग्रीस का उधर ले गए, वो जजीरे पे जाके हमें उतारा, उधर जाके स्टे हो रहा था, जैसे हम फिंगर दे रहे थे ना, स्टे पेपर ले रहे थे कि हम आपकी कंट्री में 1 महीना रह सकते हैं, उधर गए, उधर जाके मतलिनी जजीरे से फिर वो जो शिप होते हैं ना बड़े, वो जाते हैं इनके कैपिटल थीने में, ठीक है, और थीने से हमारा सफ़र आगे स्टार्ट होना था। जब हम वो हमें ले गए मतलिनी जजीरे पर, उधर हमने बैठे हैं जाके, उधर जाके हमने खाना छाना खाया, खाना ले के आए, खाना खाया, तो उसके बाद फिर रात हुई है, तो फिर सोने को जगह ना मिले, रात हुई सोने की जगह ना मिले, फिर वो जैसे ये पैरासूट के बने होते हैं ना, छोटे छोटे खेमे ही होते हैं, ये बड़े हुए थे, दो लड़के उसके अंदर थे, उसके साथ एक हो गया लड़का, ऐसे किसी के पास एक लड़का था, उसके अंदर ही 2 दिन हमारे निकल गए। अभी अभी हमने स्टे लिया उधर जाके, फिर दूसरे दिन हम जब मतलिनी जजीरा जी मतलिनी जजीरे में हमें पता लगा कि इधर जाके आप लड़के स्टे लेके आ रहे थे, हाथ में उनके में ना एक पेपर था, हमने बोला ये क्या, कहता आप ऐसा करें वो लैंड में जाके लगे फलानी जगह में पैदल जाए, उधर से स्टे ले लें, स्टे आपके पास होगा, फिर यूनान की पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, उनको पता होगा कि इन्होंने जाके स्टे ले लिया 1 महीने का। हम जाके लैंड में लगे हैं, स्टे लिया है, उधर जाके ना बस उन्होंने पूछा कि किधर से आए, पाकिस्तान से, तुम्हारा क्या नाम है, ये नाम है जी, मदर का क्या नाम है, मदर का नाम बताया वाल्द का, उन लोगों ने स्टे निकाल के हमें दे दिया, तो फिर हम परेशानी जो मारी थी वो ख़त्म होगी, कभी पुलिस नहीं पूछेगी। 2-3 दिन रुके हैं, फिर वो घर से घर वालों को, उधर लड़के आ गए हैं 2-3 कि आपने अगर जाना है उस तरफ थीने की तरफ कैपिटल की तरफ, तो हम आपको टिकटें करा देते हैं, आप ऐसा करें हमें इधर आपको टिकटें करा के देते हैं, आप पाकिस्तान में हमारे घर में पैसे भेज दें, तो वो कैसे कहते हैं हम टिकटें लेके देते हैं आपको, आप घर वालों को बोल दो कि इतने पैसे, उस टाइम इजी पैसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कैश आप भी आया, ठीक है, तो वो आई डी कार्ड पर जो करते हैं पैसे, वो हमने पैसे घर वालों को बोला, घर वालों ने
हमारे पैसे जो है ना गुजरात के लड़के थे उनके। और उस टाइम तक आपके कितने पैसे लग चुके थे? उस टाइम तो हमारा साथ लग चुका था 2,20,000 और 1,60,000 में हम पहुंचे थे ग्रीस तक। और टिकट हमें उन लोगों ने 100 यूरो की टिकट दी थी हमें, ठीक है, 120 यूरो का उस टाइम यूरो था, 36,000 वो था, फिर और भी ये 4 से प्लस हो चुके थे, ठीक है। तो फिर वो उन लोगों ने हमें टिकट लेके दी, हमने उनके घर में पैसे भेज दिए। तो फिर उधर से शिप में बैठे हैं, तो फिर हम गए हैं कैपिटल थीने शहर यूनान का, उधर गए हैं। उधर जब हम पहुंचने वाले थे ना, तो अभी हम किसी के साथ रब्ता भी नहीं कर सके, हमारे पास सिम भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अभी भी आपका पुराना एजेंट ही है या आप कोई नया? नहीं नहीं, वो एजेंट के थ्रू जा रहे हैं ना, यूनान तक उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो लेकिन वो टिकटें शिकटें उसने नहीं लेके हमें दी, टिकटें फिर हमने खुद ही अपने से अरेंज की। तो जब हम फिर वो शिम में बैठे, में परेशान हो गए कि अभी हम थीने पहुंचने वाले हैं, पता चला कि थीने पहुंचने वाले हैं, सुबह का टाइम हो गया। तो अभी वो फिर आगे हमारा इंतज़ाम ही कोई नहीं था, इतना पता था कि साथ वाले गांव के लड़के हैं वो थीने में रहते हैं, उनके अपने ही ये काम शाम करते हैं, कि इनके पास डॉक्यूमेंट भी है, मजम्मल लड़के का नाम, बहुत अच्छा लड़का है। तो उधर जा गए हैं, फिर हम जब उधर शिप से नीचे आए हैं, तो स्टे तो हमारे पास आया था, हमें ये परेशानी नहीं थी। फिर उधर हम जाके बैठे हैं, एक साइड पे होकर जाके बैठ गया, छोटी सी पार्क बनी हुई थी, छोटी सी, हम उधर जाके बैठ गए। तो हमने घर में रब्ता किया किसी से, नंबर लेके ना, वो पाकिस्तानी उधर घूमते होते हैं ना काम करने के लिए जाते हैं, बोला यार हमारी बात करा दो, फिर वो आपको पैसे पे, कहता नहीं नहीं यार बात करो। हमने बाइक का नंबर मिलाया यार, कि हम पहुँच गए यूनान में, फलानी जगह में पहुँच गए हैं, अभी शहर में पहुँच गए कैपिटल में, उधर से हम निकल आए थे मतलिनी जजीरे से। तो यार भी आगे किसके पास जाए, तो कहता है मुजम्मल उधर ही होता है। मैंने बोला अभी मुजम्मल पता नहीं किधर होता है, ये कौन सा लाहौर है, हम मुजम्मल को जाके पूछे कौन सी गली में हो भाई, कौन सी दुकान में काम करते हो। तो घर वालों ने मुजम्मल के साथ रब्ता किया, उसने बोला कि मुजम्मल के साथ रब्ता कर दिया, आपका नंबर दे दिया, मुजम्मल अभी कॉल करता है। अच्छा, वो जब हम शिम में बैठे हुए थे ना, मुझे अभी भी याद है, 24 सितंबर थी और पाकिस्तान में ईद थी। जब हम शिम में जा रहे थे ना थीने की तरफ, पाकिस्तान में 2015 में 9वें महीने की 24 तारीख हुई थी, तो वो लड़के काम पे गए हुए थे, यूनान में तो नहीं है ना ईद होनी, पाकिस्तान में ही थी, वो काम पे गए, वो काफ़ी को 2-3 घंटे के बाद वो आए, हम पार्क में बैठे हुए थे। तो फिर वो आया, उसने कार चाल की, हमने बताया ये पार्क में बैठे हैं, कहता केरी पार्क च, अं कहें कि भरावा कि एक पाकिस्तान है इतने बैठे हैं, अं क्या शिव तो उतरे हैं, शिव तो नाल ही पार्क उत्थे, वो समझ गया, वो आया सानू लैन, दुआ सलाम लिए ट्रेन के बालिया, सानू अपने घर छड़िया, अभी कंध गया उत्थे। फिर असी कोई रोटी छोटी खाधी है, ईशी दो गुजारी जड़ियाँ, दो तीन चार छोटियाँ वड्डी सी। तो उधर आप लोग जब काम शाम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो करते क्या थे पूरा दिन? हम तो फर्क थे ना, 10 दिन हमने स्टे किया था ना, सुबह उठते थे तो क्या घूमने फिरने चले जाते थे, घूमने बाद तो स्टे आया था हमारे पास, फिर भी डर लगता था। सही यार, स्टे तो है पता नहीं, ये नॉर्मल पेपर ही था, लेकिन वैल्यू उनकी पेपर की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये सोचते जैसे पाकिस्तान में किसी ने पेपर दे दिया, बोलेगा पार देगा, क्या वैल्यू उसकी। तो पूरा दिन बस उधर घर में ही है, बस आगे घर में वो, फिर एक लड़का था लूडो खेलता था नीचे, उसका कमरा था, चांद नाम था उसका, उसके साथ लूडो जाके खेल लेनी, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो जैसे कोई वक्त गुजरा, तो फिर 10 दिन गुजरे हैं, तो हम फिर घर वालों को बोला कि अभी क्या करना है, कहता जो जेंट था पहले वाला, उसने रब्ता किया भाइयों के साथ कि मैं जर्मन भेज देता हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर वहाँ वैसे जा रही है फ्री जा रही है, जेंट की ज़रूरत नहीं है। यूनान से बड़ा इजी हम गए हैं, बहुत इजी, यूनान से तकरीबन हम समझ लें सर के 3-4 दिन में हम यूनान से जर्मनी पहुंच गए, इतने फास्ट गए। तो हम फिर भाई को मैंने बोला चलो बताते हैं क्या करना है, वो जो मुजम्मल था जिनके पास स्टे किया हुआ था वो पुराने रह रहे थे, कहता यार बॉर्डर ओपन है, जेंट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पैसे आपने ज़ाया कर दिए वो कर दिए, आगे आप बसों में जाए, जिधर जिधर ये बैठते ना टिकट लेके उनके, फिर आगे गए बस स्टैंड बने थे, स्टॉप बने थे ना बस के, जैसे अड्डे बने होते हैं वो बने थे, वो जा रहे थे वो तकरीबन बसें मकतूनिया की तरफ। मकतूनिया जो है ये यूनान का आखिरी जो एरिया ना, ये ख़त्म हो जाता है, फिर आगे मकतूनिया के आगे बोस्निया सर्बिया शुरू हो जाता है वो। फिर हमने वो दफ्तर में मैं लेके गया, वो टिकटों वालों में उधर टिकटें कराई है, टिकटें करा के हमें दी हैं।
तो और वो कोई लेटर या कुछ नहीं पूछते कि वो पासपोर्ट या कोई नहीं, उस टाइम सारा फलस्तीन वाले भी जा रहे थे ना, स्टे हमारे पास था तो स्टे वगैरह दिखाया, टिकटें ली हैं, बस के अंदर इंटर हुए हैं। तो वो बस तकरीबन एक बजे चली है, तो शाम को 7 बजे मेरा ख्याल है 7 या 8 बजे वो मखदूनिया पहुँच गया बॉर्डर पर। जब वो मखदूनिया बॉर्डर पर पहुँच गया, यूनान का एरिया ख़त्म हो गया, यूनान सरहद यूनान की ख़त्म हो गई, अब मखदूनिया के इंटर हो गए हैं एरिया में। मखदूनिया पहुँचे तो आगे बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं जिसमें फ़लस्तीनी पाकिस्तानी माइग्रेंट्स। हाँ जी जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उस वक्त फ़लस्तीनी गया, अरबी लोग गए हैं फ़लस्तीनी, सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी था, उसके बाद ओवानी थे, फिर सीरियन और ये लोग, ओवानी थे उसके बाद, फिर थे हम थे पाकिस्तानी हमारे से बाद, फिर ये सीरियन और इंडियन उधर जमा हुए थे, बड़े बड़े कैंप थे उधर। जाके में लोगों ने जैकटें वगैरह दी हैं, खाना दिया है, चाय वगैरह दी है, गवर्नमेंट के कैंप लगे हुए थे ना। तो उसके बाद खाना शाना खाया, तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा पैदल सफ़र कराया 2 किलोमीटर मखदूनिया से आगे, फिर ट्रेन थी खड़ी की थी लोगों ने, पूरी ट्रेन, वो ट्रेन की मुझे अभी भी याद है 40 या 30 यूरो की पता नहीं मैंने टिकट ली थी, 40 की बस की ली थी यूनान से मखदूनिया, और आगे 30 यूरो की हमने टिकट जो ली थी ना वो ली थी ट्रेन की। ट्रेन में बैठ गए, वो ट्रेन मखदूनिया से बोस्निया सर्बिया की तरफ चलना शुरू हो गया। वो ट्रेन में बैठे थे, वो ट्रेन मेरा ख्याल है बोस्निया में जाकर रुकी है, वो 3 घंटे में बोस्निया पहुँच गई थी, 2 या 3 घंटे इतने लगा लें आप, उसमें बैठे थे वो बोस्निया पहुँची है, बोस्निया से सर्बिया साथ और साथ ही बोस्निया, उधर हम पहुँचे हैं। तो उधर जाके फिर हमें स्टे लेना था, आगे गया तो आगे काफ़ी बड़ी वे थी वो बंद की हुई थी, उसके ऊपर टोटल ये हम लोग ही थे, कोई नीचे बैठा है कोई किधर बैठा है, पूरे रोड के जैसे कोई धरना नहीं दिया होता ऐसे लोग बैठे हुए हैं, साइडों पे स्टॉल वगैरह लगे हैं खाने के, ये कपड़े छपड़े जो भी है, उधर हम जाके बैठे हैं। तो पता चला जी ये जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे इस तरह बिल्डिंग थी बड़ी, पता चला कि इसके बिल्डिंग के अंदर जाना तो स्टे लेके ना, तो फिर आगे टिकटें लेके आगे का सफ़र फिर आपका शुरू हो जाएगा। तो हम उधर बैठ गए, तो रात ही रात गुजारी हमने, तो सुबह आई है, तो सुबह भी लैंड में सब लोग जा रहे हैं, तो पता चला ये तो 2 दिन लग जाएंगे लैंड में जाते जाते, बड़ा उन लोगों का अंदर लैंड में जाएँ, फिर यू बने हुए हैं, यू टर्न ऐसे आए बैक आए, ऐसे ऐसे उन लोगों ने बनाए हुए थे सक्सल वगैरह जे। फिर हमने पाकिस्तानी देखो पीछे हॉस्पिटल किसी ने लड़के ने देख के वो शिलांगे लगाई हैं अंदर की तरफ हो के, फिर वो हमने लड़कों ने कुछ ने स्टे ले लिया, तो हमने भी जाके फिर ऐसे स्टे लिया। तो फिर स्टे ले के फिर हम बाहर आए, बाहर आके बस वालों को स्टे दिखाया कि हमने स्टे ले लिया, बस वाले ने थोड़े से हमें पैसे लिए हम टिकट के, उस बस के अंदर बैठे हैं। तो सर्बिया से फिर हमने सफ़र जो किया ना वो किया क्रोतिया का, क्रोतिया की तरफ बस चलना शुरू हो गया, रात को चलिए तो रात को बस चलती थी उधर रात के टाइम में। और अभी इन सारे सफ़रों में कहीं भी पुलिस या किसी ने आपको नहीं रोका? नहीं, कोई नहीं, पुलिस ने किसी ने भी नहीं रोका मैं। तो जब हम सफ़र कर रहे तो थकने गए थे इतना सफ़र कर कर सफ़र सर ये देखे ना कि अभी जब बंदे को पता होना कि मेरी मंजिल अभी बाकी है, थोड़ी सी रह गई है बाकी, हमने बड़ी मुश्किलें काटी हैं, जो मुश्किलें हमने जो सबसे ज़्यादा काटी थी वो काटी थी ईरान में और तुर्की में, उसके बाद यूनान में भी आसानी हो गई थी, फिर मखदूनिया से फिर सर्बिया से फिर हमने स्टे लेके बोस्निया सर्बिया स्टे लेके फिर हम निकले हैं क्रोतिया की तरफ, रात को फिर बस में बैठे हैं सफ़र किया क्रोतिया पहुँचे हैं, क्रोतिया से फिर हम पैदल सफ़र किया तो नाली क्रोशिया, फिर क्रोशिया पहुँचे हैं, क्रोतिया बस वाले ने हमें उतार दिया, कुछ सफ़र पैदल हमने जो है ना वो किया है, क्रोतिया में पहुँचे हैं, क्रोतिया में जाकर उन लोगों ने हमें खाना छाना दिया, कैंप लगे थे उन लोगों के, खाना दिया हमें, खाना खिला के उन लोगों ने फिर हमें पैदल सफ़र कराया जंगलों में, सफ़र करा के आगे फिर आर्मी खड़ी थी हंगरी की, पता नहीं हंगरी कंट्री है, इनकी आर्मी खड़ी थी ऐसे जंगलों के साथ साथ ना, आर्मी खड़ी थी, फसल लगी हुई थी, तो इस तरह भी आर्मी है, लेडीज़ भी हैं बीच में और दूसरे मर्द भी हैं। तो सेंटर में हम जा रहे हैं तो हमें वो कह रहे थे ट्रेन के अंदर जाके बैठना, और तकरीबन मेरा ख्याल है 300-400 लोग थे जो हम पैदल सफ़र कर रहे थे। फिर आगे जैसे हम आगे जाते गए ना वाम ज़्यादा होती गई है ग्रुपों के साथ, तो फिर उन लोगों ने हमें ट्रेन में बैठा के, वो ट्रेन फिर सर चली है ना, वो ट्रेन चढ़ के फिर सर जी वो गई है ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया जाकर रुकी है,
वो ट्रेन ऑस्ट्रिया रुकी है जाकर रात को 12 बजे। ऑस्ट्रिया जब हम ट्रेन से बाहर निकले हैं ना, तो आगे पुलिस खड़ी थी, लोग खड़े थे, उन लोगों ने मैं बसों में बैठा के फिर एक बिल्डिंग थी बड़ी सी होटल, जा होटल में जाके ले गया, उधर जाके खाना दिया, उन बोलोगे रेस्ट करो, सुबह आपने निकलना है, सुबह ट्रेन जाएगी। वो आगे कहाँ जाएगी? वो ट्रेन जर्मनी के लिए जानी थी। ठीक है। जब हम ऑस्ट्रिया पहुँचे हैं तो बिल्डिंग के अंदर गए, तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टे किया हुआ था, मच्छर था उधर और काफ़ी बेड शेड कोई ऐसे ही थे, लेकिन खाना छाना खाया तो रात को बस ऐसे ही गपशप लगाते, गुजारा किया, गपशप लगाते निकल गई कि अब बस आखिरी सफ़र है, बस ये कभी क्लियर हो जाए ना, तो बस फिर खैर। सुबह जब सर 4:30 या 5:45 का टाइम हुआ ना, तो लोग होटल से निकल रहे हैं, बैग पहने हुए थे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैंने दूसरे को बोला यार वो सारे जा रहे हैं, चलो चले हम भी बस बूट शूट शूज़ पहने हैं, कपड़े पहने हैं, जैकटें शैकटें किए ऊपर, तो हम भी निकल गए। वो ट्रेन फिर ट्रेनों में जाके हम बैठे हैं, तो वो ट्रेन जाके 3-4 घंटे के बाद आगे जाकर रुकी है, उधर जाके पुलिस वालों ने तलाशी ली है, उधर जाके हमने को फ्रूट वगैरह भी दिया, फ्रूट भी दिया, वो हमने खाया, फिर पुलिस वालों ने तलाशी ली है सब लड़कों की। एक लड़के के पास मोबाइल था अटैच, उसकी तलाशी ली थी, उसके अंदर से वो पता नहीं तस्वीरें थी वेपन की, उनके साथ को काफ़ी ज़्यादा इशू उन लोगों ने बनाया। सही। कि आपके ये मोबाइल में सेल्फी हैं, ये हैं, तस्वीरें, वो भी आपके इलाके के था, वो गुजरात का था, वो ट्रेन में ही जाने वाला नहीं था, लेकिन वो जब उसकी तलाशी ले रहे थे ना, बाद में जब ट्रेन में आया तो पता चला ये उधर गए। उसके साथ उन लोगों ने बहुत नुकारी की है, 2-3 घंटे लगे रहे हैं, और 3 घंटे तो ट्रेन खड़ी रही है। उसके बाद ट्रेन उधर से चली है तकरीबन 3-4 बजे, फिर वो रात को 10:30 बजे मीचन ट्रेन पहुंची है। जब मीचन में पहुंचे ना, तो ट्रेन स्टेशन के साथ ही उनकी एयरपोर्ट भी उधर ही है, तो उधर बड़ा सा हॉल उन लोगों ने खाली कराया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा आवाम थी, पुलिस वाले थे साथ, उन लोगों ने इधर हमें इस्तेमाल किया, हमारा वेलकम किया। सही। वेलकम कैसे किया? वेलकम डॉचलैंड, वेलकम जी डॉचलैंड। सही। तो वो फिर उन लोगों ने हमें अंदर ले कर गए हैं हॉल में, उधर जाके सेट ये चार्जर वाले लगे हुए थे, छोटे सेट, बड़े भी थे लेकिन ज़्यादा छोटे लगे हुए थे, उन लोगों ने बोला कि पानी छानी आप पी लें, वाटर, और यू कॉल योर फैमिली। तो हमने ऐसे फिर लोगों को जब पता चल गया कि ये कॉल फ्री है, सेट लगे हुए हैं चार्जरों पे, पकड़ लिए जिस ने पकड़ लिया, फिर वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 20 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आप कॉल नहीं करनी, बस बताएं। फिर हम नंबर सेट हम उसके पीछे खड़े होंगे लड़कों के पीछे, तो फिर वो सारे लोग कॉल कर रहे थे, फिर मैंने भी घर पे कॉल की जी, उस टाइम घर मेरा नंबर तकरीबन 11:30 बजे आया था उधर कॉल का, तो पाकिस्तान 3:30 का टाइम हो गया था, 4 घंटे का फ़र्क था ना, तो अक्टूबर थी, अक्टूबर में 4 घंटे का फ़र्क आ जाता, बर्फबारी शुरू हो जाती, ठंड हो जाती है, तो वैसे 4 घंटे का फ़र्क आ जाता, तो भाई सोया हुआ था, मैंने बोला सलाम अलैकुम, ये कौन, मैं कह नवीद बात कर रहा हूँ, पहुंच गया मैं कह जी पहुंच गया। सही। तो ऐसे हम जर्मनी में पहुंच गए। तो कैसा महसूस कैसा किया जब पहुंचे? बड़ा अच्छा महसूस किया सर, पहुंचे हैं, उन लोगों ने बड़ा ख्याल किया है, बड़ी इज्जत दी है, और इंसानियत उन लोगों में बहुत ज़्यादा खाना। और बूटा साहब भी साथ साथ? हाँ, बूटा साहब बड़े खुश हैं जी, बूटा साहब फनी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बूटा साहब दी गलां जो मसल नहीं कितने होंगे, तो बूटा साहब ने साडा बड़ा शुक्र लगे, बड़े खुश ने बूटा साहब, तो बूटा साहब जो चाचा साढ़े ये तकरीबन 2 साल रहे ढाई, ये वापस आ गए सर, ये जर्मनी से? जी जी, जर्मनी से ये वापसी आ गए थे। जी जी। और जब आप जर्मनी पहुंच गए हैं? जी जी। फिर उसके बाद आगे क्या? जर्मनी जब पहुंचे हैं सर, तो खाना छाना खाया, काल छाल कर दिए, लोगों ने कपड़े दिए हैं, जैकटें दी हैं, शूज दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सर गवर्नमेंट तरफ से, और खाना अच्छा खिलाया, और ये शैम्पू वगैरह, कंगा शंगा, हर चीज़ उन लोगों ने हमें पूरी दी है, प्रॉपर बुक भी एक थी, वो भी एक साथ रखी थी कि पाकिस्तानी आए हैं कानून के हवाले करें ना, पता होगा कि कैसे इधर है। उसके बाद फिर सर उधर सुबह का टाइम हुआ 6 का, वो लोगों ने बसें मंगाई हैं, तो हमें बैठाया, तो हमें ले गया हैनोवर। हैनोवर ये बेसिकली पड़ता है जर्मन के शहर कैपिटल बर्लिन के साथ ही, हैनोवर, उधर ले गया। उधर बड़ा सी बिल्डिंग थी, उधर कमरे बड़े थे, उधर बेड शेड लगे थे, उन लोगों ने बोला इधर रेस्ट करो, और सुबह उठे हैं, सुबह ना पता लगाया कि मेरा नाम ये है और फैमिली का नाम ये है, कास्ट हमारी ये है, और सारे डेटा एंट्री वगैरह करवाई, वो करा दी हमने, और खाना खाते थे 3 टाइम, और खाना अच्छा होता था,
और कपड़े वो खुद ही अंदर बने हुए थे, उनके लॉन्ड्री वगैरह बंदे रखे हुए थे, वो कपड़े जब भी आपके धोने वाले उनको दिए हैं वो धो के आपको तय करके आप टोकन उनको दें आपको कपड़े दे देंगे। उधर 20 दिन गुजरे, 20 दिन के बाद फिर वो उन लोगों ने हमें फिर दूसरी सिटी में हमें भेजा है कालसूबे में। ठीक है, कालसूबा इनका एक बड़ा बड़ा सूबा है जी, उधर जाके जितने रिफ्यूजी हैं जितने गैर मुल्की हैं उधर उनकी नाम पता उधर ही लिखे जाते हैं, सब कुछ उधर ही लिखे जाते हैं। उधर गया, उधर जाके हमने बताया कि फिंगर दी हैं कि मेरा नाम नवीद है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बोला कि क्या मसला, क्यों पाकिस्तान से क्यों छोड़ा आपने? हमने बोला ये मसला, ये मसला है। और क्या मसला बताया आपने? मेरा तो वैसे मसला था प्रॉपर्टी का, गांव में तो ज़मीन का मसला था, तो मेरे पे पहले भी झूठी वैसे लड़ाई होनी भाई की, तो मेरे के ऊपर भी वो दो पर्चे करा दिए गए कि ये भी इसके में शामिल है, और नाम मेरा नवीद है, और पर्चे में वो जो नाम लिखाते वो नबील लिखा देते थे। तो नबील मेरा पहले वैसे घर वाले प्यार से नाम लेते थे, तो आई डी कार्ड में नबील था, तो अल्लाह का शुक्र है वो उसमें भी जान छूट गई। सही। तो फिर वो जैसे मसले मसाए चलते रहे, वैसे लड़ाई होती रही है प्रॉपर्टी की वजह से चौधरी के साथ। तो आपने उनको बताया फिर ये कि आपको असाइलम चाहिए? हाँ, फिर वो कालसूबे में फिर जब गए हैं उन लोगों ने हमारा सारा इंटरव्यू लिया, हमने बताया ये मसला है, प्रूफ दिया है, उन लोगों ने सालमारी जो है वो एप्लीकेशन लिख ली है, तो कहते हैं आपको बताएंगे। फिर कुछ अर्सा गुजरा, तो फिर जो रिहाइश का फिर क्या होता है? रिहाइश में आपको बताने लगा, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट हमारे हमें आइडियाँ दे दी गई, ऊपर नाम लिखा था नवीद अली। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें और जगह ट्रांसफ़र किया, हेल्डनबर्ग, हेल्डनबर्ग हमें ट्रांसफ़र किया, हेल्डनबर्ग हेम्बर्ग और हेल्डनबर्ग जिधर लामा कबाल साहब थे ना उधर हमें भेजा है, हेल्डनबर्ग भेजा है, हेल्डनबर्ग वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हेम्बर्ग भेजा है। उधर से फिर हम ऐसे तकरीबन हमारा 2 माह के अंदर 3-4 दफ़ा हमारा ट्रांसफ़र हुआ है कि आपने इधर रहना है, इधर आपकी रिहाइश है। फिर खीरी दौर पे जो इनका एक जर्मन का जो शहर है ना स्टुटगार्ट, जिधर BMW बनती है, फिर इन लोगों ने हमें इधर भेजा है, इधर आया। फिर वो डॉक्यूमेंट तो वही, हमारा नाम पता था वही, और इनके होटल ये जो जगह थी वो इनकी अपनी थी, जहाँ इनकी अपनी थी। इनके असल में ये पुरानी जो बिल्डिंग होती है या नई बिल्डिंग बना के उसके अंदर कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बंदे या 3 बंदे हैं, उनको कमरे दे देते हैं। उसके बाद कुछ अरसा वो खाने छाने जो खाने का होता ना प्रोग्राम जितना भी है इनका खुद बना हुआ आता है, किसी का कनेक्ट कर लेते ना कि ये खाना 3 टाइम का आपने देना है, होटलों के साथ वो पे करते हैं। तो वो खाना आता था पहले, फिर हमें वो 160 यूरो देते थे, 160 रुपये जर्मन के, तो खाना भी वो एक महीने का, हाँ खाना भी 3 टाइम मिल रहा है, मेडिकल भी फ्री है, कार्ड भी हमें दे दिया गया, इंश्योरेंस कार्ड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके बाद फिर कोई अरसा गुजरा, तो फिर उन लोगों ने हमें बोला कि वो एक प्रूफ होता हाउस वाइज, हमारी फिर हाउस वाइज जब बन के आ गई ना उसके ऊपर होता है जैसे आईडी कार्ड होता है ना, ऊपर नाम होता है नवीद अली और ये फलाने गांव में रह रहा है जर्मन के, या फलाने लोकल आईडी कार्ड आप कह लें उसको, हाँ ऐसे कह लें, गली नंबर सब कुछ होता है। जब हमें आईडी कार्ड दे दिया गया, ठीक है, उसको हाउस वाइज बोल देगा, हाउस वाइज हमें जब दे दी गई है उसके बाद इन लोगों ने हमें 320 यूरो स्टार्ट कर दिए कि आप अभी खुद ही खाएं, खुद ही पकाएं। सही। और स्कूल भी फिर हम लोगों ने मैं स्टार्ट कर दिया, स्कूल भी जाता था मैं, पाकिस्तान में पढ़ा नहीं था बिल्कुल, फिर उधर 2 साल मैंने लैंग्वेज की है डोच जी, सो अभी बोल लेते हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बोल लेता हूँ। अब वहाँ से फिर पाकिस्तान का सफ़र कैसे हुआ वापस? अच्छा, उसके बाद फिर 5 साल 2 साल मैं स्टडी किया, स्टडी करने के बाद फिर 6 माह मैंने काम सीखा ये कारपेंटर का, उसके बाद फिर उधर ही, हाँ उधर ही, उधर फिर एक साइट होंगे अखबार होता है, अखबार के ऊपर कोई एड थी लिखी हुई थी कंपनी को इस कैटेगरी का बंदा चाहिए, स्टील फिक्सर का काम था, वो मैंने काम देखा था, मैंने साइट होंगे अखबार मैंने पढ़ी है, मैंने एक उधर का जर्मन का बंदा था लोकल रहने वाला, हमारे गांव का था, ग्रोस पेडरिंगन में मैं रहता था जर्मन के शहर में, तो मैंने बोला कि मैं ये मैंने अखबार देखी ये काम है, तो इन मेरे साथ आप मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ कंपनी में चलेंगे? कहता चलूँगा। मेरे साथ गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने बोला मैं 2 साल हो गया मैंने ये सीखा ये काम, मुझे आता हूँ, लोगों ने मुझे रख लिया, 3 साल मैंने काम किया। और कितने पैसे आपको देते थे वो? वो मुझे देते थे पर ओवर 11 उधर, तो सैलरी का नहीं होता आपका, पर घंटे का होता है कि पर घंटा आप कितने लोग हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल मजदूर है उसकी 10 से ऊपर स्टार्ट होती थी, मेरी 11 लोगों ने लगाई, तो वो मैं पाकिस्तानी टैक्स उधर टैक्स भी देता था, लाख से ऊपर टैक्स देता था मैं।
सही। और घर का किराया भी देता, और पाकिस्तान भी मैं 1.5-2 लाख भेज देता था खा पी के। उस टाइम यूरो का रेट 130-140 था जब मैं काम कर रहा था, अभी तो 200+ हो गया। तो उसके बाद मैंने काम किया, तो फिर उसके बाद फिर घर के कोई इशू थे मेरा। जब मैं पाकिस्तान से निकला था, मैंने यूनान पहुँच गया था, 2 हफ्ते में मैं यूनान पहुँच गया था, तुर्की से यूनान में पहुँच गया था, तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था। उसके बाद फिर घर के प्रॉब्लम मसले मसाइल थे, फिर मैंने उधर खुद ही जो साल मैंने अप्लाई की हुई थी और रिजेक्ट नहीं हुई अभी तक भी नहीं हुई थी। तो लोगों को तो जो हाउसवाइफ होती है ना आईडी होती है उसके ऊपर जब लिखा होता है कि ये इधर नहीं रह सकता, ऊपर बैन लगा देते हैं, रेड की लगा देते हैं। मेरे पे रेड की भी नहीं थी, तो फिर मैं खुद ही उन लोगों को एप्लीकेशन ले कर दी। इनका एक दायरा है, जैसे बड़े बड़े दायरे होते हैं, नादरा हो गया, यूनियन काउंसिल होगी, जैसे पासपोर्ट दफ्तर हो गया, इनका एक दायरा है उस संडे ब्योडे, इनका एक लांद्रा साहब बड़ा एक दायरा है। तो उधर मैं गया, तो उधर जाके मैंने उन लोगों को बोला कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। फिर इन लोगों ने उधर एप्लीकेशन लेके दिया कि 2-3 माह के अंदर इन लोगों ने मुझे बोला भाई आपने अगर जाना तो आपकी टिकट कर दें हम। मैंने बोला जी कर दें टिकट। फिर लोगों ने मुझे टिकट जो है मेरे नाम पर बुक की है, और मैं 2020 के 5 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आ गया था। सही। 2020 को मैं वापसी आ गया था। जी जी। सो पूरा जो आपने ये सफ़र इतना लंबा इतना मुश्किल किया, इसको अगर आप उस तरह समराइज करें तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और दोबारा अगर मौका मिले? सर देखिए, ये जो सफ़र मैंने किया, ये जितने लोगों उस टाइम फिर भी आसान था, बहुत आसान बनस्बत जो लोग था कि यूनान से आगे तुर्की और ईरान में बहुत मुश्किल थी। और लेकिन ये सफ़र अनलीगल जो वे हम यूज़ करते हैं ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लीगल वे यूज़ करें बाहर जाए। लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं है, आपको पता है कि वो वापस वापस आ भी जाते हैं वो। फिर मुझे नॉलेज नहीं था, आज से 7 साल पहले नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं, मुझे पता होना कि मुझे कल फांसी हो जानी है, तो मैं गलत काम कभी भी ना करूँ, या काम करूँगा फांसी हो जानी है। तो ऐसे लोग मर भी जाते हैं रास्तों में, बड़ा कुछ होता है। कुछ लोग जानने वाले हैं मेरे, उनका एक दोस्त है मेरा, उनका आगे से वो जो पैर है वो डैमेज हो गया मुकम्मल तौर पे, फिंगर है वो नहीं है साथ, ठीक है। कराम नाम है उसका, मंडी बावल दिन का लड़का है, ठीक है। तो सर ये बहुत ही गलत रास्ता, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आप अच्छे तरीके से जाएँ, वीज़ा लगवा के जाएँ, बाहर जाएँ, लीगल तरीके से जाएँ, वे यूज़ करें। और अगर नहीं जा सकते तो इधर भी काम मेहनत सर जी, इसमें ये होता है ना कि अगर बाहर आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, इज्जत भी है, और आपको पता होता है, घर वालों को भी पता है कि आज बैठे तो कल पहुंच जाएंगे। और हम जो अनलीगल वे यूज़ करते हैं इसमें तो 100% 99% चांस होते हैं कि डेथ है, जाए कोई मसला मसाइल हो जाएगा तो 1% रहेगा आप पहुँच जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती है सर, अभी ये आप इसी साल में देखें कुछ लोग, इन लोगों ने राउंड में पकड़े हैं लोगों ने, और पता नहीं और कौन सी जगह में पकड़े हैं, मैंने देखा है कि उन लोगों के ये कान वगैरह काट दिए गए हैं, नाज वगैरह काट दिए गए हैं, ऊपर पत्थर आ दिए, लोगों को मार दिया गया है, और अभी तो सीधी सीधे वो वेपन के साथ गोलियां मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी कभी भी ये जो अनलीगल वे है ना, कभी भी यूज़ ना करें। अगर यूज़ करनी है तो आप पाकिस्तान में बड़े अच्छे दायरे हैं जो लीगल तरीके से बेच रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के दायरे बने हुए हैं, अभी बने हैं मेरा ख्याल है, तो अच्छे दायरे हैं, वो आपको भेज सकते हैं। लेकिन अनलीगल वे कभी भी यूज़ ना करें, मैं तो ये सबको कहता हूँ, सब भाइयों को कहता हूँ जो देखने वाले हैं, सबको कहता हूँ भाई कभी भी ना जाएं। अगर देखें, अगर आप पहुँच जाते हो तो मुझे गालियाँ निकालेंगे, वो गलत कहता था, अगर आप नहीं पहुँचेंगे जानी नुकसान होगा, तो आपके घर वाले भी बोलेंगे कि यार कोई सही कह रहा था, लेकिन जानी नुकसान इससे ज़्यादा है फायदे काम में। अगर आपको लोगों ने फायदे बहुत लिए हैं, लोग जब पहुंच गए हैं, डॉक्यूमेंट बन गए हैं, सारा कुछ किया, लेकिन आप ये देखें मुश्किलात कितनी वो हैंडल करके गए हैं, आसानी से नहीं गए। और अब तो वो ज़माना भी नहीं है ना 2015 वाला, पहले तो वो चीज़ ही तो सर देखें, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि उस टाइम तो मैं यूनान तक मेरा खर्चा जो पैसे मेरे ज़्यादा अमाउंट जो मेरी यूनान तक मैंने वो अफोर्ड की, ज़्यादा पैसे लगाए थे। आगे तो मैं ऐसे गया था, उस टाइम तो बॉर्डर ओपन थे, तुर्की ने भी नरमी की हुई थी, ईरान के अंदर सख्ती थी, ईरानी तो समझते किसी को कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान से लेके जर्मन तक अगर आपने जाना हो तो सख्ती है और बहुत ज़्यादा जलालत है, और इसमें समझ लें कि डेथ है। सही सही, चांस नहीं है जिंदगी। नवीद बहुत शुक्रिया, और आपने टाइम निकाला आए इतनी दूर से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।